प्रिडिक्शंस होता है और इस स्थिति में किसी भी जातक का प्रिडिक्शंस होना जरूरी होता है। यहां पर अगर हम बात करते हैं पोनोलॉजी का, तो पोनोलॉजी में नाम का साउंड इतना मायने रखता है कि हर चीज के लाइफ को, जब आपके लोसोगीट का चार्ट, चालियन के चार्ट, ये सब सपोर्टिव नहीं होगा तब पर भी ये काम करता है, और ये 100% काम करता है। सिर्फ नाम के वाइब्रेशंस आपको सही होना चाहिए और साथ साथ में नाम के नंबर्स भी सही होना चाहिए। अगर ये सही नहीं होगा तो ये दिक्कत दे सकता है लाइफ। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो ये जितने भी नाम आपको दिख रहा है, ये टोटल नाम चेंज किया गया है। अब नया नाम जो है, ये नाम जो है 8 पे है, और जब आप नोमोलॉजी सीखने के लिए जाएंगे या आप कहीं बेसिक किए होंगे कोई आदमी, या कोई आदमी वेबिनार से भी सीखते हैं, तो उनको बताया जाता है कि 8 नंबर पे जो है ना, आपको नाम लेकर नहीं जाना है। यहां पे देखिए 8 पे नाम है, 7 पे नाम है, नाम जिनका भी चेंज है, नाम का साउंड, जितना भी जातक का नाम चेंज है, ये सब चीज हम यहाँ पे लेके सबका गहन अध्ययन करके हम आपको बता रहे हैं कि नाम कब किसी भी जातक को जो है सही करता है और कब जातक को अच्छा करता है। जैसे कि हम साउंड के बारे में बात करेंगे, आप उसका टेंशन मत लीजिए। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है रानी मुखर्जी का नाम या करिश्मा कपूर जी का नाम, यहाँ पे देखेंगे तो ये 4 पे लेके गया है, 9 पे और 4 पे लेके गया है ये नाम को। अगर हम बात करते हैं, जबकि इसके चार्ट में 5 नंबर प्रेजेंट है, 4 नंबर प्रेजेंट है, 6 नंबर प्रेजेंट है, 3 और 8 नहीं है। अब इस स्थिति में कोई आदमी, जब आप सीखने के लिए नया जाएंगे या कोई नया नोमोलॉजिस्ट होगा, तो आपको बताएगा कि आप 3 पे लेके चले जाओ, 8 पे लेके चले जाओ। इससे अच्छा है कि आप अपने नाम को चेंज ही मत कीजिए। कभी भी नंबर को, नाम चेंजिंग तब काम करता है जब आपका साउंड काम करता है। अब हम साउंड की बात करते हैं, तो एक फेमस साउंड की बात करते हैं जो आता है AR का साउंड। ऐसे ऐसे आपको 26 साउंड मिलेगा, 56 जो है आपको सिर्फ बिजनेस में मिलेगा, और 56 जो है आपको मिलेगा नेम में। जैसे कि अगर एग्जांपल में लेते हैं तो ये देखिए AR का साउंड। अगर AR का साउंड अगर आपके नाम में आता है, जैसे यहाँ पे अरविंद केजरीवाल का जो है नाम है, यहाँ पे उनके लोसोगीट के चार्ट हैं, जैसे कि 8 का रिपीटेशन 2 बार है, 6 का रिपीटेशन 2 बार है, तो ये गुरु चंडाल योग भी बनाता है। 9 है अगर त्रिभुज बनता है, तो काल सर्प दोष बनता है, जो पाए आप लिखते हैं, पाए जब चार्ट में बनता है तो काल सर्प दोष बनता है। ये सब लोसोगीट की पार्ट है, लोसोगीट में ये सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे AR का जो साउंड दे रहा है, ये आदमी को फेम देता है। नाम की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे अरिजीत सिंह जी, ये AR का जो आपको साउंड मिल रहा है, ये नाम देता है। AR को जो साउंड मिल रहा है यहाँ पे अरुण जेटली, AR का जो साउंड मिल रहा है अरुणा ईरानी, AR का साउंड जो है ये आपको फेम लेकर देगा। इसलिए जब आप नाम चेंज करवाते हैं, जैसे कि अगर एग्जाम्पल लेते हैं, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं तुषार। तुषार में आप देखेंगे तो TU का साउंड जो है खराब है, लेकिन AR का जो साउंड है वो अच्छा है। और कल या परसों ही एक नोमोलॉजिस्ट आए थे हमारे पास, वो नोमोलॉजिस्ट कहीं से बेसिक सीखे हुए थे, उन्होंने कहीं से करेक्शन करवाया था, R को डबल R कर दिया था, वो AR का ही साउंड लेके बैठ गया वो। तो कहीं से आप I जोड़ के, V जोड़ के, M जोड़ कर जो है आपको नाम को खराब नहीं करना है। उससे अच्छा है कि जो नाम अभी है आपका वही रहने दीजिए। और नाम जब चेंज करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसको कुछ नियम्स होते हैं कि इस कलर के पेज में इतना बार आपको लिखना है, तब आप वो नाम को वाइब्रेट कर सकते हैं। तो वो अगर आप उसमें सक्षम हैं, हम ये भी बताएंगे किसको नाम चेंज करने की जरूरत होती है और किसको नाम चेंज करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे जितने भी AR आपको दिख रहा है, यहाँ पे जितने भी AR दिख रहा है सब में, या RA दिख रहा है, ये जितना भी आपको दिख रहा है AR, ये सब जो है, या कंपनी में जाइए, वॉलमार्ट लीजिए उसमें AR आएगा, डीमार्ट लीजिए उसमें AR आएगा, MRF लीजिए AR आएगा,
चाहे वो कंपनी हो या नाम हो, एआर का साउंड आया वो आपके लाइफ को ग्रो करके देगा। इसीलिए जो हम जो चैनल का नाम रखा था घर संसार, वो घर में भी एआर का साउंड दिए थे और संसार में भी एआर का साउंड दिए थे, लेकिन जब वो दोनों को जोड़ेंगे तो एक 8 पे आएगा और एक 9 पे आएगा, सॉरी एक 7 पे आएगा। तो वो हम अपने प्रोफेशन से लेकर दिए थे कि हमारा प्रोफेशन जो है वो अकल्ट में है, तो अकल्ट के हिसाब से लेकर दिए थे। उसी प्रकार आप अपने नाम को देखकर पता लगा सकते हैं कि किसी भी जातक में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स है। सिर्फ नाम की हम यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं, आपको डेट ऑफ बर्थ बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे कि अगर किसी का नाम जो है आता है डी से शुरू होता है, अब डी से शुरू होता है तो डी से नाम शुरू होने वाले बहुत से नाम आपको मिल जाएगा। डी से जो आता है दिया आता है, दिव्या आता है, तो नाम का शुरुआती अक्षर क्या होना चाहिए सबसे पहले तो ये क्लियर कर लेंगे। फिर नाम के राजयोग जो बनते हैं वो राजयोग पहले हमको देखना पड़ेगा कि राजयोग क्या क्या है उसके नाम में। जैसे आप लोसोकीट की राजयोग देखते हैं उसी प्रकार जो है नाम के राजयोग बनते हैं, उस राजयोग को भी देख कर किसी के बारे में आपको प्रिडिक्शंस करना है। जैसे कि हम डी की एग्जाम्पल्स अगर एक डी का लेते हैं, अगर डी का, दिव्या जी बहुत बहुत धन्यवाद, डी का ही ले रहे हैं आप, टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे लिखिए डी के नाम। अब डी में नाम है, डी से नाम है, अगर डी आ जाता है साउंड कहीं भी नाम अगर आपका किसी से भी है, चाहे आपका नाम विद्या है, दिव्या है, अदिशा है, कुछ भी नाम अगर आता है डी आई का साउंड आया या टाइटल में अगर डी आई आता है तो ये अलगाव देता है, यानी कि ऐसे एक्सीडेंटल केसेस जिससे आपकी मृत्यु हो जाए, रिलेशनशिप के इशूज या लाइफ में कुछ अलगाव का बोध, ये सब जो है देने का कोशिश ये करता है। आप टेंशन मत लीजिए, ये जितने भी पीपीटीज हैं ये पीपीटीज आपको जिस भी ग्रुप में है हम भेजने का कोशिश करते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। ये आपको डी आई का साउंड जो है या डी वाई का जो साउंड है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करके देगा। अब ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कब क्रिएट करके देगा, तो नाम के जो इफेक्ट्स होते हैं, जो नाम का मतलब होता है, अगर चार किसी का ड्राइवर नंबर है और कंडक्टर नंबर 4 है और डी से किसी भी जातक का नाम रख दिया गया, ये आदमी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करके देगा। जैसे कि अगर ए का रिपीटेशन आपके, क्योंकि 19वीं शताब्दी में अगर आपका जन्म हुआ है तो ए का रिपीटेशन आपका जो है ए हो सकता है एक बार आया हो या दो बार आया हो। अगर आपके चार्ट में ये लोसोगीट का चार्ट यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपके चार्ट में जो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक का रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, ये जॉब में इशूज देगा, 100% देगा इशूज, लाइफ को स्टेबल नहीं होने देगा, आप ईगो के कारण जो है बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपसे हाथ से छूट जाएगा, तो इस स्थिति में 3 के रिपीटेशन आपको सेव करता है। तो ये हमको देखना बहुत ही जरूरी होता है। रिपीटेशन ऐसा नहीं है कि खराब करता है, रिपीटेशन भी अच्छा करता है, आप बेसिक में ही मत रहिए। नोमोलॉजी जो है वो बहुत बड़ा है, सिर्फ आपको बताया होगा यहाँ पे बहुत से नोमोलॉजिस्ट होंगे, उनको बताया जाता है कि जब आप किसी का प्रिडिक्शंस करते हैं नंबर के रिपीटेशन बहुत ज्यादा है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करके देगा, ऐसा कभी नहीं होता है। नंबर के रिपीटेशन आपकी रक्षा भी कर सकता है, किस प्रकार रक्षा कर सकता है वो आप देख लीजिए। जैसे कि ये पाइथन का चार्ट है और अगर आपका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर अगर एंटी होता है, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि ड्राइवर और कंडक्टर नंबर एंटी कब होता है, अगर वो एंटी है 1 और 8 एंटी है और 1 के रिपीटेशन बहुत ज्यादा हैं, 8 के रिपीटेशन बहुत ज्यादा हैं, ये आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स को कम करेगा, हद तक कम कर सकता है। इसलिए रिपीटेशन अगर होता है ये बहुत अच्छा काम करता है किसी भी जातक में, लेकिन उसके कंडीशंस हैं, उसको हमें समझना पड़ेगा। आप सिर्फ आप अपने डेट ऑफ बर्थ का जो लोसोगीट चार्ट बनता है, लोसोगीट का चार्ट देखकर उस जातक का आप वास्तु बता सकते हैं, उस जातक का आप कुंडली तक का प्रिडिक्शन, कुंडली तो फेस रीडिंग पढ़ेंगे तो उसमें भी कुंडली बना सकते हैं,
पमेस्ट्री पढ़ेंगे उसमें भी आप कुंडली का जिक्र कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट हैं तो हमारे पास ऐसे आदमी हैं कि अगर आप उनके पास में प्रेजेंट है, आपके पास में डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तब पर भी वो आपका डेट ऑफ बर्थ निकाल के दे देगा, लेकिन उसके लिए आपका हाथ का फोटो नहीं लगेगा, उसके लिए आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा वहां पे। तो सिर्फ लोसो गीत या चालडियन से ही इस जातक के वास्तु को पकड़ सकते हैं, उस जातक के कुंडली को पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पे कितने आदमी हैं जो नोमोलॉजी सीखे हुए हैं, कहीं से भी सीखे हुए हैं, आप एक बार जो है चैट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, और नहीं सीखे होंगे तो आप नो लिख दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो सीखे हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी बोल रहे हैं नहीं, रेणु जी जो है यस सीखे हुए हैं, सीमा जी यस, नो सीमा जी यस, दिनेश जी भी यस, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सीखे हुए हैं, अब कोई ऐसे जातक जो हमसे सीखे हुए हैं तो आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, जो हमसे सीखे हुए हैं, चाहे वो टीटीसी हो या आप नोमोलॉजी सीखे हुए हैं, जो हमसे सीखे हुए हैं, अमोल जी नो लिख रहे हैं, राजेंद्र जी नो लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी नो लिख रहे हैं, हरी अग्रवाल जी यस लिख रहे हैं। ये आज आप लोगों को प्रिडिक्शंस भी करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, नो लिख रहे हैं। बहुत पिंकी जी नो लिख रहे हैं, यस आपसे सीखे हैं, पिंकी जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, यस नो बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता शर्मा जी, तो यहाँ पे हम नो बहुत बहुत हरीश जी, बहुत बहुत हरीश जी आप अपने नाम पे काम कीजिए, एनडी का एन डीईआर का साउंड जो है वो खराब है। अभी देखेंगे कि जब नाम का पहला अक्षर आप किसी भी जातक का रखते हैं, पहला अक्षर अगर किसी का रख लिए तो पहला अक्षर किस से रखे हैं, ड्राइवर नंबर से रखे हैं, कंडक्टर नंबर से रखे हैं, या उस जातक के नक्षत्र, ये नोमोलॉजी में ही पढ़ना पड़ता है आपको, क्योंकि ये इंडियन नोमोलॉजी का काम है कि किसी भी जातक का किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, वो भी क्लाइंट को हमको बता के देना पड़ता है कि इस जातक का जन्म जो है किस नक्षत्र में हुआ है, उस जन्म का जोड़ क्या है और उसका मतलब क्या आता है, ये टोटल चीज जो है आपको समझना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि इस नक्षत्र में अगर किसी भी, क्योंकि नामकरण का जो प्रोसेस होता है वो नौ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, एक नामकरण की प्रोसेस के लिए नौ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और सबसे पहले तो आपको पहला अक्षर देखना पड़ेगा कि पहला अक्षर किस अक्षर से शुरू होना चाहिए, उसका लग्नेश कहाँ पे है, उसका धनेश कहाँ पे है। ये इंडियन नोमोलॉजी की कमाल है, इंडियन नोमोलॉजी ये भी बताता है कि वहां पे जो है आपका शुरुआत का अक्षर क्या होना चाहिए, और वहां से आप किसी भी जातक का प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे कोई भी जातक अगर हैं और उनका नाम अगर ए से शुरू है या जी से शुरू है, तो आप अपने बारे में, क्योंकि नाम का पहला अक्षर आपके प्रिडिक्शंस के बारे में बहुत कुछ बता देगा। अगर किसी का नाम जी से शुरू है तो आप अपने बारे में देख लीजिए, आप अपने, आपके अगर वाइफ हैं तो उनके बारे में देख लीजिए, अगर आपके बच्चे हैं तो उनके बारे में देख लीजिए कि ये कितना परसेंट, और परसेंट जरूर बताइएगा कि ये कितना परसेंट मिल पा रहा है, ये जरूर बताइएगा कि ये कितना परसेंट जो है आपसे कनेक्ट हो रहा है। जिनका नाम जी से शुरू है वो अपने बारे में लिखिएगा, और परसेंट 5% मिल रहा है तो लिख सकते हैं, 100% मिल रहा है तो लिख सकते हैं, 80% मिल रहा है तो लिख सकते हैं, 2% मिल रहा है तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन हम गारंटी देते हैं कि आप लोग जो हमारे पास में प्रिडिक्शंस करवाने के लिए आते हैं, आपका ही जो हम चार्ट देखते हैं उसी से हमने ये चीज लिखा है, और ये टोटल का टोटल प्रैक्टिकल है, और ये 100% होगा। अगर आपका दो नाम नहीं है तो ये 100% आपके नाम से मिलेगा। तो यहाँ पे जी से किन्हीं भी जिनका भी नाम है जिस जातक का, आप देख लीजिए, देन आता है के का नाम। अगर के से किसी भी जातक का नाम है तो आप अपने बारे में यहाँ पर देख सकते हैं और बता सकते हैं कि ये कितना परसेंट आपका मिल पा रहा है। गौरव जी, जी से कितना परसेंट आपका मिल पा रहा है,
तो आप चैट बॉक्स में जो है आप इसको लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि कितना परसेंट ये मिल पा रहा है। ये बहुत ही अच्छा काम करता है नामकरण के लिए। नाम का एक्सप्रेशन नंबर, हार्ट डिजायर नंबर और पर्सनालिटी नंबर गौरव जी का 90% मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। के से किसी भी जातक का नाम है तो आप जो है इसके बारे में पढ़िए, समझिए और आप चैट बॉक्स में लिखिए ये कितना परसेंट आपका मिल पा रहा है। अगर किसी का के से नाम है तो पटेल जी बोल रहे हैं 70% मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता शर्मा जी बोल रहे हैं 70% मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। जिनका मिल रहा है जरूर बताइए कि आपका कितना परसेंट मिल रहा है। यहाँ पे हमने जी और के बारे में बात किए कि हाँ वो भी है मेरे पास में, ऐसा नहीं है, वो भी अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपने वहाँ पे मेल आईडी अगर सही से डाला होगा तो मेल आईडी पे ये पीपीटी आपको जाएगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए। ये टोटल पीपीटी जो है अगर मेल आईडी अगर आपने सही डाला होगा तो जाएगा, अगर गलत डाला होगा तो नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिए ए से अगर किसी भी जातक का नाम है तो उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है और वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कितना परसेंट उनका मिल रहा है ए से अगर किसी भी जातक का नाम हो। और यहीं पे अगर ए का रिपीटेशन बहुत ज्यादा है और उसका नाम ए से है, दिक्कत होगा लाइफ में। प्रॉब्लम किस प्रकार की होगी? स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम्स होगा लाइफ में, ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होगा। अगर यहीं पे किसी भी जातक का बी से नाम शुरू है तो बी से अपने बारे में देख सकते हैं, सी से अगर किन्हीं का नाम शुरू है तो सी से देख सकते हैं। तो आप इस प्रकार जो है आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर किसी भी जातक का नाम है तो आप बता सकते हैं। आर से तो आर से भी यहाँ प्रेजेंट होगा, आप देख लीजिए कि आर से अगर किसी भी जातक का नाम है, यहाँ पे जो है आर से हम शो कर रहे हैं MNPQR, आर से यहाँ पे दिया हुआ है कि आर से अगर किसी भी जातक का नाम है। अमोल जी बोल रहे हैं जो 90%, अशोक जी 80% राइट है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक कुमार जी, अमोल जी बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। वर्षा जी भी से बताइए, ठीक है वो भी। रूपम जी बता रहे हैं 90% सही है, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। यहाँ पे पी से अगर कोई जाना चाहते हैं तो पी से हमने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि नामकरण न्यूमरोलॉजी में बहुत ज्यादा मायने रखता है। नामकरण जो है ये लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। नामकरण का असर जो है लाइफ में बहुत पड़ता है, इसलिए हमने ये चीज जो है बताने का कोशिश किया। डी का हमने दिखा चुके हैं, डी का मोहित जी हमने दिखाया है। एम का अगर देखना चाहते हैं तो एम जो है हम यहाँ पड़ा हुआ है, आप इन्हें पसंद कर लीजिए। गौरव जी का 90% मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा जी एन का, तो आप अगर मेल आईडी डाले होंगे तो वहां पे जाएगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने एक ही बुक में हमने न्यूमरोलॉजी में जो है करीबन 8 बुक लिखा है। आपके ड्राइवर नंबर क्या है, कंडक्टर नंबर क्या है। बी का मोहित जी, सी से बताइए, सी का मतलब, बहुत बहुत धन्यवाद। सी से जो है हमारा भी नाम है तो सी से आप देख लीजिए, सी से जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, सी से अगर किसी का नाम है तो। और आप जरूर बताइए कि कितना परसेंट मिल रहा है, अगर कम मिलता है क्योंकि काम का, क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट का काम ये है कि आप लोगों से भी हमको सीखने के लिए मिलता है जो आप, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि हम मास्टर हैं इसका, हम भी कहीं से सीखे आपको सिखा रहे हैं, हमने इसमें प्रैक्टिकल काम किया है, प्रैक्टिकल काम किया है, तो ये चीज हमने लिखा है, इस पे काम किया है, इसको समझाने का काम कर रहे हैं, इसपे पीपीटी बनाया है। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। बी से हम बता चुके हैं, उसके बाद जो जिनका आता है आप मेल आईडी पे आप लोगों को मिल जाएगा, या ये सब अगर ऐप पे जाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे है, ये पीपीटीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमने दिया है। न्यूमरोलॉजी, तांत्रिक न्यूमरोलॉजी, मास्टर न्यूमरोलॉजी, घर संसार ऐप है, वहां पर ये टोटल चीज आपको पीपीटी फ्री मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। बी से जो है यहाँ पे बी का दिया हुआ है, आप देख लीजिए। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे बहुत से आदमी को
लोसोगीट का भी चार्ट बनाने के लिए आता होगा, बहुत से आदमी को जो है चालडियन का भी चार्ट बनाने के लिए आता होगा, बहुत से आदमी को जो है पाइथन का भी चार्ट बनाने के लिए आता होगा, लेकिन कुछ आदमी जो है वो नए हैं। और अगर आप YouTube पे जाते हैं तो वहां पर भी ये चीज सीखने का काम कर सकते हैं, YouTube से भी ये सब सीखा जाता है, आदमी सीखते हैं। YouTube पे भी हम देखिए जो वहां पे जाएंगे तो ड्राइवर और कंडक्टर नंबर का जो है वहां पे टोटल चीज आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी जातक का नाम क्या है, तो नाम का राजयोग कैसे बनता है, और डेट ऑफ बर्थ, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, जैसे कि हमारा डेट ऑफ बर्थ है वो है 11/5/1988, आपका भी कोई ना कोई डेट ऑफ बर्थ होगा, कोई भी डेट ऑफ बर्थ है आप उसको ले लीजिए और उसको लिख लीजिए, जो नए हैं या पुराने हैं आप उसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, डेट ऑफ बर्थ लिख लिए। और जब डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं तो उसका लाइफ में बहुत बड़ा असर पड़ता है, ये लाइफ को बहुत आगे भी लेकर जा सकता है और बहुत पीछे भी लेकर आ सकता है। लाइफ के जो नंबर्स हैं वही सिर्फ आपको समझना है, जैसे कि यहाँ पे हमको पहले ड्राइवर नंबर निकलता है, कंडक्टर नंबर निकलता है, तो ड्राइवर नंबर सबसे पहले कैसे निकलेंगे, तो जब जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर 11/5/1988 डेट ऑफ बर्थ है, और ड्राइवर नंबर जो है यहाँ पे 2 आया, 2 कैसे आया, तो ये जो आपको दिख रहा है ये 11 जो दिख रहा है आपके आगे में कुछ भी हो सकता है, ये 11 जो है ये हमारा ड्राइवर नंबर है, और आपका 19 है, 5 है, 6 है, इसी नंबर को कोई आदमी जो है जन्मांक बोलते हैं, कोई आदमी जो है आपको वॉइस कैप्टन कैप्टन नंबर बताएंगे, यही ड्राइवर कंडक्टर नंबर होता है, लाइफ पाथ नंबर होता है, उसके बाद जो होता है ड्राइवर बर्थडे नंबर, लाइफ पाथ नंबर, यही नंबर होता है, कैप्टन नंबर, वॉइस कैप्टन नंबर, यही नंबर होता है, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। ड्राइवर नंबर यहाँ पे हमारा 2 निकला, 1+1। कंडक्टर नंबर जब हम निकालेंगे तो कंडक्टर नंबर निकालने के लिए इस टोटल नंबर को जोड़ देंगे, यानी कि 1+1+5+1+9+8+8, इसको जोड़ दीजिए और वो आपका सिंगल डिजिट में जो आएगा वो आपका कंडक्टर नंबर हो जाएगा। सबसे पहले आपको ड्राइवर नंबर निकालना है, उसके बाद आपको कंडक्टर नंबर निकालना है। सब आदमी ने ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकाल लिए तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपका ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर क्या है। सब आदमी अपना अपना ड्राइवर और कंडक्टर जिनको आ गया वो जरूर लिख लीजिएगा कि चैट बॉक्स में ये लिख दीजिए कि आपका ड्राइवर नंबर क्या है और कंडक्टर नंबर क्या है। यहाँ पर जो है पहला कैमरा ऑन में जो आते हैं वो आते हैं मोहित बात्रा जी। मोहित बात्रा जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जिस भी ग्रुप में हैं उस ग्रुप में भेज दीजिए, चैट बॉक्स में भी आप भेज सकते हैं, और जिस भी ग्रुप में हैं उस ग्रुप में जो है आपको ऑन कर दिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप किस भी ग्रुप, जिस ग्रुप में हैं आप बता दीजिए, जिस ग्रुप में हैं आप उस ग्रुप को चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। फोर्टी फाइव ग्रुप को ऑन कर दीजिए। तो जिस भी आप वहां पे डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भेज दीजिएगा, टाइम प्लेस नहीं होगा तो हाथ का फोटो भी भेज दीजिएगा। अब आगे हम आते हैं तो यहाँ पे काम आता है, जो हमारा काम होता है ड्राइवर और कंडक्टर नंबर हमारा यहाँ पे निकल गया है। यहाँ पे जैसे कि ड्राइवर और कंडक्टर नंबर सबसे फर्स्ट जो निकाल के भेजे हैं वो बहुत बहुत धन्यवाद, वो भेजे हैं मुरली कृष्णा जी। मुरली कृष्णा जी से भी पहले भेजे हैं, वो भेजे हैं, ओके पढ़ नहीं पाए, उससे पहले जो है बहुत आ गया था हमारे पास में, सॉरी इसके लिए। अमोल जी 3 और 8 का ड्राइवर कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया है, 3 और 8। दीपक जी 1-8 का जो है थोड़ा निगेटिव जाता है। सबसे पहला जो हमारा ड्राइवर और कंडक्टर नंबर आया था वो आया है 1 और
सेवन का, उसके पहले भी आया था। तो चलिए आप अपने बारे में पहले बता दीजिए कि ये कितना परसेंट आपसे रिलेवेंट है, आपसे मिल रहा है, क्योंकि ये जरूर जानना जरूरी है। क्योंकि जब किसी का प्रिडिक्शंस आप करते हैं, तो प्रिडिक्शंस जब करते हैं आप, तो जब उसके बारे में तकरीबन जो है 60-70% अगर सही नहीं बताते हैं, तो आप नोमोलॉजिस्ट नहीं हैं या आप एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं हैं। सबसे पहले आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और ये तभी समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो है आपको 1 और 8 जो फर्स्ट था, वहां पे हम जिनका भी 1 और 8 होगा वो अपने बारे में पढ़ सकते हैं। ये एक पीपीटी है, यहाँ पर जो है सिर्फ पीपीटी आपको शो कर रहे हैं, ये पढ़ाने का पीपीटी है। इसमें जो है आपको एक पीपीटी में 25-30 मिनट का टाइम जाता है पढ़ाने में। ये 1 और 8 का सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर नंबर है, और किन्हीं का अगर यहाँ पे है तो आप जैसे कि वहां पे कोई सबसे पहला जो चैट बॉक्स है था, उसमें उन्होंने लिखा था कि हमारा 1 और 8 है, तो ये कितना परसेंट आपसे मिल रहा है, ये जरूर आप बताने का कोशिश कीजिए कि ये कितना परसेंट आपसे मिल पा रहा है। परसेंट जरूर बताइएगा, 10%, 20%, 25%, 50%। 1 और 8 में होता है तो ये एंटीज नंबर आते हैं, हेल्थ इश्यूज होता है, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा खराब होता है, पुअर रिलेशनशिप होता है, स्ट्रगल होती है लाइफ में, पिता के साथ में नहीं बनता है, आपके बच्चे के साथ में नहीं बनेगा। और यहाँ सिर्फ हम 1 और 8 के बारे में बता रहे हैं, तो 1-8 का जितना भी है आप जो है चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दीपक जी 1 और 8 है आपके बारे में, तो आपका ही सबसे पहला था तो हमने यहाँ पे लेकर दिया है, आप जरूर लिखिए चैट बॉक्स में कि ये कितना परसेंट मिल पा रहा है। तो ये चीज जो है किसी भी जातक के साथ में मिल सकता है। तो अभी हमने ड्राइवर और कंडक्टर नंबर जो है निकालने के लिए सीखा, ये हमारा ड्राइवर नंबर है और ये हमारा कंडक्टर नंबर है। अब ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालने के बाद हम लोसो गीट का चार्ट बनाएंगे, लोसो गीट का जो चार्ट होता है उस चार्ट को बनाने का कोशिश करेंगे। अब ये चार्ट कैसे बनता है, चार्ट बनता है जो यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे जो भी ड्राइवर, यहाँ पे ये लोसो गीट का चार्ट आपको दिख रहा होगा। लोसो गीट का चार्ट जो होता है 4-3-8-9-5-1-2-7-8, ये लोसो गीट का चार्ट होता है, ये फिक्स होता है। चालियन का भी चार्ट होता है, ये फिक्स होता है। ये लोसो गीट का चार्ट है, अब इसी हिसाब से आप अपने डेट ऑफ बर्थ में भर लीजिए। मोहित बात्रा जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ को इसमें भरने का कोशिश कीजिए। ड्राइवर नंबर सबसे पहले हम यहां से शुरू करेंगे, तो 1 है यहां पे सबसे पहले, तो 1 यहां पे लिखा हुआ है, तो 1 के जगह में हम 1 लिख देंगे। फिर 1 बार 1 आता है, तो 2 बार हम 1 लिख देंगे। फिर आता है हमारा 5, तो हम 1-5 लिख देंगे। उसके बाद हमारा 1 आता है, ये 1 लिख देंगे। वहां पे आता है फिर 9, फिर यहाँ पे जो है 9 लिख देंगे। फिर आता है 8, 8 के जगह में हम फिर 8 लिख देंगे। अब आता है हमारा ड्राइवर नंबर, 2 हुआ तो ड्राइवर नंबर यहाँ पे 2 लिख देंगे। कंडक्टर नंबर आता है यहाँ पे 6 नंबर, तो कंडक्टर नंबर जो है यहाँ पे 6 नंबर लिख देंगे। यहाँ पे हमने कंडक्टर नंबर 6 लिख दिया। अब ये हमारा लोसो गीट का चार्ट जो है बन के तैयार हो गया। अब यहीं से किसी भी जातक का प्रिडिक्शंस होगा। अब यहां से प्रिडिक्शंस, इसमें इतना पावर है कि किसी के जातक के बारे में ये पता लगा सकते हैं कि पहला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, इसमें कालप्रसत दोष है या नहीं है। आप जब भी नोमोलॉजिस्ट सीखते हैं, कहीं नोमोलॉजी सीखते हैं, तो सबसे पहले ये देखिए कि यही चार्ट से सिर्फ 1 पैरामीटर की बात करते हैं। यहाँ पे तो हम आपको 22 पैरामीटर बताएंगे, यहाँ पे सिर्फ 1 पैरामीटर की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि हम घर से बात करते हैं कि घर का, कि लाइफ में घर कब होगा किसी भी जातक का,
तो घर कब होगा, अगर एक घर की बात करेंगे, ये सब प्रिडिक्शन जो होगा सिर्फ और सिर्फ लोसोगीट से होगा। और अगर हम बात करेंगे तो एक घर से ही इतने क्वेश्चंस क्लाइंट आपसे पूछ सकता है कि हमारा घर कब होगा, जमीन कब खरीदेंगे, जमीन किस आदमी के नाम पे लेना है, हस्बैंड के नाम पे लेना है या वाइफ के नाम पे लेना है, जमीन लेकर घर बना सकते हैं या फ्लैट खरीद लें, अपना दुकान कब खरीदेंगे, अपना दुकान कब होगा हमारा, ये टोटल चीज जो है आपको यहां से सब, ये इसमें टोटल 22 पैरामीटर्स मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, वही लोसोगीट से आप पता लगा सकते हैं आपकी शादी क्यों टूट रही है, शादी में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। रिश्ते आते हैं तो साथ रिश्ता आता है लेकिन रुकता नहीं है, शादी में प्रॉब्लम्स होती है, डाइवोर्स केस चल रहा है, शादी लेट होने का मुख्य कारण क्या है, शादी नहीं होने का मुख्य कारण क्या है, ये सब जो है लोसोगीट का कमाल है। यहीं से आप काल सर्प दोष देख सकते हैं, यहीं से जो है आप अपने लाइफ के बारे में सब कुछ पता लगा सकते हैं। तो अमोल जी, अपने आपने अगर ये लोसोगीट का चार्ट बना लिया है, अगर नहीं भी बनाया है तो कोई बात नहीं है, आपका कुंडली हमारे पास में बन के आ जाएगा। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जरूर वहां पे मेंशन कर दीजिएगा या हाथ का फोटो जरूर भेज दीजिएगा। यहाँ पे हमने ये चीज आपको दिया कि लोसोगीट का चार्ट कैसे बना। अब हमने ड्राइवर कंडक्टर नंबर देखा, अब हम देखेंगे कि किसी का ड्राइवर नंबर का क्या असर पड़ता है और किसी के कंडक्टर नंबर का क्या असर पड़ता है। यहीं से आप किसी के बारे में ये पता लगा सकते हैं, जैसे कि अगर किसी का नाम का, जैसे कि वाइफ का या आपके बॉयफ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का, ये सब का नाम का पहला अक्षर क्या होगा, ये सब जो है यहीं से पता लगाया जा सकता है। यही लो सो आपका डेट ऑफ बर्थ किसी को मिल गया, वहीं से टोटल चीज प्रिडिक्शंस होते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। जैसे कि लाइफ में 20वीं शताब्दी की जो है प्रिडिक्शंस अलग होती है, 19वीं शताब्दी की प्रिडिक्शंस अलग होती है। लाइफ में कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसको आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए बहुत जरूरत पड़ेगा, जैसे कि अगर लाइफ में बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं तो कुछ नंबर्स देखिए आपके चार्ट में है या नहीं है। अगर है, अगर नहीं है, अगर नाम के साउंड्स खराब हैं तो नाम चेंज करने का कोशिश कीजिए। दुकान का, बिजनेस का अगर प्रॉब्लम्स है, अगर वहां पे वाइब्रेटिंग नंबर्स नहीं है, जैसे अगर आपका स्वीट्स का दुकान है, जी से नाम रखते हैं बहुत अच्छा, जहाँ आस पास में कभी भी आप देखेंगे जी से नाम अगर कहीं भी है, किसी का भी है, तो आपको जो है ये बहुत ही अच्छी स्थिति में आपको दिखेगा। चलते हुए दुकान, स्विच का दुकान, तो यहाँ पे फोनेटिक्स पे भी ध्यान देना दिया जाता है। बट माइंड, जैसे कि मून देखा जाता है, माइंड से ही किसी भी जाति का पास में मिशन होता है, विजन होता है। मनी के लिए वीनस और मरकरी देखा जाता है, हेल्थ के लिए सन और बुध देखा जाता है, जुपिटर के लिए जो है सॉरी एजुकेशन के लिए जुपिटर और मरकरी देखते हैं। हम यहाँ पे थे कि किसी भी जातक का हस्बैंड और वाइफ का प्रिडिक्शंस, वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हस्बैंड और वाइफ तक के प्रिडिक्शंस जो है यहाँ पे किया जा सकता है, उसका पहला नंबर क्या होगा, उसका प्यार हुआ होगा तो किस एज में हुआ होगा, ये टोटल चीज का प्रिडिक्शंस जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, उसके बारे में समझा सकते हैं कि उसका लव कब हुआ होगा, किस एज में हुआ होगा और किस पोजीशन में हुआ हो। ये सिर्फ आपके ड्राइवर और कंडक्टर नंबर, और ड्राइवर और कंडक्टर, ये लोसोगीट अपने आप में, चाहे लोसो हो, चार्डियन हो या पाइथन हो, अपने आप में बहुत बड़ा है। ये चीज समझने का कोशिश कीजिए कि यहां से किसी भी जातक के बच्चे के बारे में प्रिडिक्शंस कर सकते हैं कि पहला बच्चा जो है लड़का होगा या लड़की होगा। यहां तक की प्रिडिक्शंस इस चार्ट के द्वारा किसी भी जातक का किया जा सकता है। ये इसमें जो है, हाँ, ड्राइवर और कंडक्टर नंबर वैलिड होता है,
देखिए हम जो भी पीपीटीज आपको दिखा रहे हैं उसके स्क्रीनशॉट हम आपको जिस भी ग्रुप में है हम भेजवा रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। और ए से जेड तक का या नोमोलॉजी के कुछ बुक्स हैं, अगर वो सब अगर देखना होगा तो आप ऐप पे चले जाइएगा, ऐप पर भी आपको ये सब मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, वहां से भी पढ़ के समझ सकते हैं कि किसी भी, क्योंकि लोसो गीट जो है किसी के लड़का और लड़की का भी प्रिडिक्शंस किया जा सकता है, किसी भी जातक का पहला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। और ये हम दावे के साथ में कहते हैं कि जो हम आपको दे रहे हैं, कोई भी अगर मास्टर नोमोलॉजी, क्योंकि हमारे पास में मास्टर नोमोलॉजी करके आदमी आते हैं, ये कहीं आपको नहीं पढ़ाया जाएगा जो हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं कि कौन सा नंबर आदमी को पहला बच्चा देने का कंडीशंस देता है, दूसरा बच्चा देने का कंडीशंस क्या होता है, पहला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, ये लोसो गीट से आप पता लगा सकते हैं। इससे बहुत से कंडीशंस है जो कि आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं किसी भी जातक के बारे में। यहाँ पे किन्हीं आदमी को समझ में नहीं आ रहा है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें समझ में, जैसे कि वहां पे 5 नंबर प्रेजेंट था और यहाँ पे 5 नंबर अगर नहीं है, लेकिन इसमें स्त्री तत्व का नंबर भी आपको देखना पड़ेगा कि स्त्री तत्व का नंबर क्या है, ये सब भी आपको देखना पड़ेगा, तभी इसको जो है अच्छे तरह से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे लोसो गीट का चार्ट किनको बनाने के लिए नहीं आया तो आप चैट बॉक्स में नो लिख दीजिए, अगर आ गया तो यस लिख दीजिए। मोहित बात्रा जी, आपको क्या नहीं आया लोसो गीट के चार्ट बनाने के लिए, बताइए लोसो गीट का चार्ट क्या बनाने के लिए नहीं आया? सर एक बारी बना दो मेरा एक बारी चार्ट। हम सर बनाते किसी का नहीं है, लेकिन आपका कैमरा ऑन है तो आपका डेट कुंडली ही बन के आ जाएगा 10 मिनट में आपके पास में। D1 से लेके D5 तक का चार्ट हमारे पास में उतना टाइम नहीं है, हम आपको सिखाने का काम कर रहे हैं, आप उसको सीख लीजिए, लेकिन आपके पास में जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके जवाब आपको मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो और कि जिनको नहीं समझ में आया तो आप नो लिख सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद पिरल जी, जो यहाँ पे हरीश जी यस लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। सीजी जी बोल रहे हैं यस, बहुत और नो, बहुत से आदमी बोल रहे हैं नहीं, ओके। रीना जी सिंह जी नहीं बोल रहे हैं, करुणा त्यागी जी यस, बहुत बहुत धन्यवाद करुणा त्यागी जी। करुणा त्यागी जी पढ़े भी हैं, उन्होंने कोर्स भी किया है तो आपको तो आएगा ही। अब हमारे जो जीटीजी के स्टूडेंट हैं, अगर वो कैमरा ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं, क्योंकि उनके कुछ डेट ऑफ बर्थ उनको दिया जाएगा प्रिडिक्ट करने के लिए, तो आप कैमरा अगर ऑन कोई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर कैमरा ऑफ भी करना चाहते हैं तो जिनका नाम नॉमिनेटेड है वो जरूर जो है आ जाइएगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा, इसी प्रकार जो है अगर हम बात करते हैं कि मूलांक और जन्मांक की, तो जन्मांक और मूलांक के बारे में आपका जो भी है ड्राइवर और कंडक्टर नंबर, ये आपके बारे में पूरा थ्योरेटिकल है, ये पूरा थ्योरी लिखा हुआ है, आप अपने बारे में पढ़ सकते हैं, आपकी खामियां क्या है, आपकी प्रॉब्लम्स क्या होने वाले हैं, क्या जो है लाइफ में होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये टोटल चीज के बारे में आप पता लगा सकते हैं। इसमें जो है कितना परसेंट ये सही है, इसके लिए जैसे कि हमारा दूसरा जो जो नंबर्स आया था 1 और 8 में, तो 1 सबसे पहले आया था 6 का, तो हम 6 का देख लेंगे, और जिनका भी 6 होगा वो आप पहले यहाँ पे मिला लीजिए कि कितना, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पीपीटीज आपको दिखाया जा रहा है वो हमने कंसल्टेंसी करके हमने खुद से वो पीपीटीज बनाया है, हमने वो खुद से जो है वो बुक में ही भी वो पब्लिश होगा कुछ दिन के बाद, अभी बुक में नहीं आया है, बट वो प्रैक्टिकल है, आप अपने बारे में पता लगा सकते हैं कि ये कितना परसेंट सही है और कितना परसेंट गलत है। तो जिन जातक का यहाँ पे 6 से है, अगर नाम अगर किसी का 6 से अगर यहाँ पे है, ड्राइवर नंबर अगर 6 है, तो आप अपने बारे में ये देखकर, ये प्रैक्टिकल हम आपको बता रहे हैं, थ्योरेटिकल जो है वो आप जाके पढ़ना पड़ेगा वो, क्योंकि ये जो एजुकेशन है वो अकल्ट है, और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं अच्छा करने के लिए तो आपको मेहनत
करना ही पड़ेगा, आप कुछ भी कर लीजिए। अभी हम बात करते हैं कि 6 नंबर की, यहां पे देखिए 6 नंबर है, और जिनका 6 नंबर था पहला जो कमेंट आया था 6 नंबर का, वो देख लीजिए, वो अपने पॉजिटिव और निगेटिव बारे में बता दीजिए कि कितना परसेंट मिल रहा है। अगर उनके साउंड में, नाम के साउंड में AL का अगर होगा, NC का होगा, OO का होगा, U का होगा, ये और ज्यादा निगेटिव पॉइंट उसमें होता है और वो ज्यादा वाइब्रेटिंग्स लेकर देता है लाइफ में खराब। सत्या सिंह जी आपका भी 6 है, तो आप अपने बारे में बता सकते हैं कि कितना परसेंट सही आपका जा रहा है, ये कितना परसेंट सही हो रहा है, आप अपने बारे में बता सकते हैं सत्या जी, और ये सब का केस स्टडी आपको मिल जाएगा, टोटल चीज का केस स्टडी पढ़ने के लिए ये मिल जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। 8 नंबर का था जो 18 में जो है, 18 में भी था, तो 8 नंबर वाले देख लीजिए। सिर्फ हमने यहाँ पे ये चीज बताया है सिर्फ ड्राइवर नंबर की, यहाँ तो 81 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, सिर्फ हम यहाँ पे ड्राइवर नंबर की चर्चा कर रहे हैं। CGG कितना परसेंट मिल रहा है, देखिए परसेंट जरूर बताइए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ना हम समझ पाएंगे कि ये कितना परसेंट सही है और ना आप समझ पाएंगे, तो आप परसेंट जरूर बताइए। अगर 5% ही सही है तो 5% लिखिए। CGG बोल रहे हैं 80% सही है, अगर आपको 80% लग रहा है या 100% लग रहा है तो आप 100% लिखिए। ऐसा नहीं है कि जो आपको सही लग रहा है वो आप उसमें लिख सकते हैं। अब 1-8 का जो जिनका भी यहाँ पे था, उसमें नाम के साउंड्स होते हैं, अगर वो साउंड्स खराब हुआ तो लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा और वो 100% होगा। जैसे लाइफ में देखेंगे किस प्रकार का साउंड, तो पहले हम साउंड को देखने का कोशिश करेंगे कि किस प्रकार का साउंड जो है लाइफ में हमको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। लाइफ में जो साउंड प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो साउंड है, बहुत ही कम साउंड है, जैसे कि हमने करीबन 46 से 47 साउंड होता है कि जो लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो यहाँ पे एक बता रहे हैं हम आपको, इसको देख लीजिएगा, अगर ये आपके नाम में है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करवा लीजिए, अगर चेंज नहीं करवाना चाहते हैं तो चेंज मत करवाइए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये लाइफ में इश्यूज लेकर देगा ही देगा, ये बात जान लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम आपको जो PPTs दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये देख लीजिए, नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, ये सब जो है आपको, ये PPTs हैं जो आपको लाइफ में इश्यूज लेकर देगा, ये सब साउंड है जो साउंड आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा लाइफ में। किस प्रकार का प्रॉब्लम, जैसे कि हमने DI का बताया अभी थोड़ी देर पहले कि DI का साउंड ये प्रॉब्लम क्रिएट करके देता है। तो नाम कभी भी जो है वेबिनार में कभी भी करेक्ट करने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि नाम करेक्ट करने के लिए बहुत प्रोसेस होते हैं, एक नाम को चेंज करने के लिए 7 प्रोसेस देखना पड़ता है। आप कोई बोलेगा 5 नंबर चार्ट में नहीं है, 5 पे लेके चले जाइए, आप सी में बी जोड़ दीजिएगा, आई को हटा के एल जोड़ दीजिएगा, बी को हटा के जो है एन जोड़ दीजिएगा, ऐसा गलत काम मत कीजिए, उससे अच्छा है कि जो आपके पास में है वही सही है। हाँ, अब कहीं कोई दुकान खोलते हैं, कंपनी खोलते हैं, या कोई बच्चे का नामकरण करवाते हैं, तो देखिए बच्चे का नामकरण करवाते हैं तो कहीं ना कहीं आसपास में अगर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है तो उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि किसी के लाइफ का सवाल होता है, और उसमें अगर कोई 1,500 रुपया ले रहा है या 2,000-4,000 ले रहा है तो आप उसको दे दीजिए, क्योंकि वो जो है, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, वो पूरा लाइफ का जो है प्रिडिक्शन करके दे रहा है, उसमें आपको न्यूमरोलॉजिकल चार्ट भी मिल जाएगा, उसके कुंडली भी मिल जाएंगे, कुंडली भी बना के बच्चे का घर में रखना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है किसी भी जातक का, अगर हम ये चीज करते, यहाँ इसी प्रकार जो है हम किसी भी जातक का फेस रीडिंग का प्रिडिक्शन करते हैं,
इसी जातक के वास्तु का प्रिडिक्शंस करते हैं। अभी जो है हमारे पास जो है दूसरा नाम जो आया है गौरव यादव जी का। गौरव यादव जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस। लिख दीजिएगा चैट में या जिस भी ग्रुप में है आप उसमें लिख दीजिएगा। तो यहां से हम ये चीज को अच्छे तरह से समझ कर सकते हैं। अब आता है कि नोमोलॉजी में प्रॉब्लम्स ऐसे जहां पे नोमोलॉजिस्ट काम नहीं करता है वहां पे काम करता है तांत्रिक नोमोलॉजी। जिस प्रकार अगर एग्जांपल में अगर आप बात करते हैं एग्जांपल में भी आपको दिख जाएगा। एग्जांपल भी यहां पे जो है दिया जा रहा है। यहां पे जैसे कि ये चार्ट आपको दिख रहा है कार्मिक डेफ नंबर है एंटीज है 357 नहीं है 942 नहीं है 35 नहीं है। ऐसे जातक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। वन का रिपीटेशन बहुत ज्यादा है 9 का रिपीटेशन बहुत ज्यादा है इसमें प्रॉब्लम्स होता है आदमी का नजर दोष भी लगता है। तो इस स्थिति में जो है हम किसी भी जातक का प्रिडिक्शंस जब हम करते हैं तो उसके रेमेडीज की बात आती है। तो रेमेडीज का जो है हम और इस प्रकार की चार्ट आपको दिखेगा। देखिये यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि अगर 4, 6 और 2 अगर आपके चार्ट में है 5 नंबर की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी जो है अगर डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं है अगर आपको तो सब बोलेगा कि आपको 5 पे लेके चले जाओ। हमने तो ये भी देखा कि आपका नाम पे 5 पे लेके जाओ तो जाओ मम्मी पापा सबका 5 पे लेके चले जाओ। यानी कि 5 अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो जैसे कि उसके लाइफ में जो है आग लग गया है ऐसी स्थिति आती है। लेकिन ऐसा नहीं है। नंबर के वाइब्रेशंस होते हैं नंबर के सब्स्टिट्यूट होते हैं। अगर वो सब्स्टिट्यूट नंबर अगर आप में है तो ये अच्छे तरह से काम करेगा। आप उसका टेंशन मत लीजिए। और ये अच्छे तरह से काम करता है किसी भी जातक में। अब यहां पे कितने आदमी हैं जिस जो इनको नोमोलॉजी को सीखना चाहते हैं जो नोमोलॉजी को सीखना चाहते हैं आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। अगर सीखना चाहते हैं जितने आदमी हैं अगर सीखना चाहते हैं तो यस लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। नीरज यादव जी यस लिख रहे हैं यस बहुत बहुत धन्यवाद। यस अमोल जी यस लिख रहे हैं बहुत बहुत। अतुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण छाजर जी अपने नाम पे काम कीजिए। यस बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। कृष्णा जी बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। अब नाम चेंज की जरूरत जो होती है वो कब जब भी कोई जातक अगर आपके पास में आता है तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है कि उसका पिनेकल या पिनेकल नंबर क्या चल रहा है या चैलेंज नंबर क्या चल रहा है या उसका सरेसाती तो लाइफ में नहीं चल रहा है। अगर सरेसाती चलेगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस स्थिति में उस वक्त जो है हमको ये देखना सबसे पहले जरूरी होता है कि उस जातक का जो है एज क्या है जो आपके पास में आया है प्रिडिक्शंस करवाने के लिए। उस जातक का हकीकत में जो एक्चुअल एज है वो क्या है 1 से लेके 55 तक। 55 के बाद में जो है अगर कोई बिजनेस लेकर अगर प्रपोजल आ रहा है तो आप प्रिडिक्शंस करिए। लेकिन नाम ताम का जो काम होता है वो 55 साल तक ही आप करिए। कोई बिजनेस करना चाहता है कोई शनि प्रधान क्योंकि शनि प्रधान जो आदमी होता है उसमें 8 नंबर हुआ या शनि हुआ इसका भाग बहुत लेट खुलता है। अगर किन्हीं का है अगर 1-8 है या किन्हीं का शनि या सरेसाती चल रहा है तो आप कुछ मंत्र हैं उससे जो है संपुट सुंदर कांड का पाठ कर लीजिए बहुत अच्छा काम करेगा भाग खोलने में। क्योंकि उसका भाग कब खुलता है उसका कोई किसी को पता नहीं है। कोई बुक जैसे कि पराशर लिखता है कि 36 साल में शनि प्रधान का भाग खुलता है। कोई बुक लिखता है 40 साल में खुलता है। कोई लिखता है कि 38 साल में खुलता है। लेकिन हम प्रैक्टिकल 60 साल में आदमी को स्ट्रगल करते हुए देखा है। जैसे है कि ऐसी स्थिति अगर आपके शनि के कारण प्रॉब्लम्स हो रहा है तो कहरीज पति सुनहरमाना काचुप साथ रहे बलवाना पवन तय पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कौन सी काजू कट जगमाही जो नहीं होता तुम पाई
इससे संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ कीजिए या ओम अंजनेय विद्महे वायुपुत्रा धीमहि तन्वन्मे प्रचोदयात का जो है संपूर्ण पाठ कीजिए। इसमें रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स होती है, अगर शादी नहीं हो रही है तो पत्नी मरण माम दही मनोवितान सारणिम तारणिम संसार सुक्रोध माम, ये सब का मंत्र अगर काम करते हैं तो ये शनि वाले में बहुत अच्छा काम करेगा। इससे अगर संपूर्ण पाठ करवाते हैं तो बहुत अच्छा काम करेगा, ये भाग खोलने का काम या आप खुद कर सकते हैं या कोई पिंडी जी अगर आपके पास में है तो उनसे आप करवा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भी बहुत अच्छा काम करता है किसी भी जातक में। साउंड हमारे तरफ से जो है क्लियर है। भूषण जी साउंड में किन्हीं आदमी को साउंड में प्रॉब्लम्स है क्या, किन्हीं को साउंड में प्रॉब्लम्स कुछ है क्या? देखिए आप एक ही जगह लाइव नहीं है, ये जो है तीन जगह लाइव है जूम पे, साउंड में प्रॉब्लम्स आ रही है क्या? नो, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो ये चीज जो है जानना हमको बहुत ही जरूरी होता है कि किसी भी जातक में भाग अगर नहीं खुल रहा है तो किस प्रकार खोला जाए। इसी के लिए हमने जो है कुछ यहाँ पे रेमेडीज दिए हैं, जैसे कि कोई आदमी कोई फंसा देता है आपको, जब आप जाएंगे कभी कोर्ट में चले जाएंगे या कहीं पे जाएंगे तो आदमी आपको फंसाने का काम करेगा, मेरा मतलब का जो है आपको वहां पे डाल देगा। या सपोज कीजिए कि आप जिस समाज में रहते हैं उसमें लड़ाई झंझट बहुत ज्यादा होता है, पति पत्नी के रिलेशंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो उस स्थिति में आपको जो है यहाँ पे कुछ यंत्र और तंत्र हैं जिसके कारण आप किसी भी जातक के सॉल्यूशंस कर सकते हैं, ये भी आपको यहाँ पे नोमोलॉजी में ही मिलेगा, उसका टेंशन मत लीजिए। फेस रीडिंग भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये जो पीपीटी आपको दिख रहा है ये पीपीटी के स्क्रीन शॉट हम भेज रहे हैं, आपको हर ग्रुप में भेज रहे हैं, टेंशन मत लीजिए उसका। केदार जी जाएगा, सब चीज जाएगा आपके पास, आपके पास। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा आपको जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जब लाइफ में, तो वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाए और उस सॉल्व करने के प्रोसेस में जैसे कि केस की हमने बात किया तो उसमें जो है जज आपके हिसाब से कैसे काम करेगा, वकील आपके हिसाब से कैसे काम करेगा, कोई अधिकारी है वो आपके हिसाब से कैसे काम करेगा, ये सब देखना समझना सबसे पहले जरूरी होता है। अगर वो नहीं समझेंगे तो, क्योंकि वहां पे उसकी जरूरत पड़ेगा और 100% पड़ेगा, अगर वो जरूरत नहीं पड़ा तो फिर जो है लाइफ में इशू जो है बहुत कम हो जाएगा। और वही चीज को लेकर जो है यहाँ पे, क्योंकि नोमोलॉजी आप देखते हैं किसी में प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस कैसे होगा, रेमेडीज दे रहे हैं, गाय को आलू खिलाओ, गाय को आलू खिलाएगा शुक्र सही हो जाएगा, बुध का खराब हो जाएगा। तो प्रिडिक्शंस किसको गाय का आलू खिलाना चाहिए किसको गाय का आलू नहीं खिलाना चाहिए वो भी देखना पड़ता है, किसको उजला कपड़ा पहनना है किसको उजला कपड़ा नहीं पहनना है ये भी हमको देखना पड़ता है। जब तक ये सब प्रिडिक्शंस नहीं कर पाएंगे तब तक जो है नोमोलॉजी का जो है कोई आदमी प्रॉब्लम में फंस, क्योंकि ये प्रोफेशन जो होता है ये वकील की तरह प्रोफेशन होता है, कोई आदमी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है जब तक आप उसको निकाल नहीं पाएंगे तब तक उसका, इसका मतलब है कि आपका वैल्यू वहां पे जीरो है। कोई किसी को आप केस दिए लेकर वकील को, अगर वो केस हार गया दूसरा क्लाइंट उसके पास में नहीं जाएगा। तो जब भी कोई जातक आता है तो उसका रेमेडीज, चाहे वो नॉर्मल रेमेडीज हो तांत्रिक नोमोलॉजी हो किसी प्रकार का रेमेडीज देके जिस प्रॉब्लम में वो फंसा है उससे उसको निकालने का कोशिश कीजिए। अगर वो रेमेडीज करता है तो, क्योंकि रेमेडीज आप नहीं करने वाले, आप इस रेमेडीज को नहीं करने वाले हैं, और ये हम दावे के साथ में करते हैं कि अगर आपने करीबन एक आध 1.5 महीना या 2 महीना, ऐसे तो 6 महीने का टाइम लगता है, अगर 2-3 महीना अगर इसमें अच्छे तरह से टाइम दे दिया, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IAS हैं, अगर इसमें आपने अच्छे तरह से मेहनत किया अगर 6 महीना, तो गारंटी कहते जिस भी प्रोफेसर में जितना आपको सैलरी मिल रहा होगा उससे 4 गुना पैसा इससे कमा सकते हैं। इसमें इतना पावर है, लेकिन इसमें जो है आपको थोड़ा सा गहन अध्ययन करने की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा ये नहीं कि। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत जल्दी मैम। रीना जी आपका जो स्क्रीन शॉट है वो हर ग्रुप, जिस भी ग्रुप से आप आए होंगे ना उस ग्रुप में आपको मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, जिस भी आप ग्रुप से आए होंगे। गौरव का कुंडली कुरियर सैंक्शन में, ठीक है।
अभी देखिए मोहित जी, गौरव जी, और एक नाम और है जो है शांति प्रकाश जी। शांति प्रकाश जी, आपके पास में डेट ऑफ बर्थ होगा और टाइम प्लेस होगा तो भेज दीजिएगा, ये अच्छा काम करेगा आपके लिए, आप अपना प्रेडिक्शंस करवा सकते हैं। यहाँ पे कितने आदमी हैं जो सीखना चाहते हैं और कितने आदमी जो हैं जो प्रेडिक्शंस करवाना चाहते हैं, क्योंकि वेबिनार में आदमी प्रेडिक्शंस करवाने के लिए भी आते हैं। कितने आदमी सीखना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, अगर जो सीखना चाहते हैं वो वाई लिख दीजिए, और जो प्रेडिक्शंस करवाने के लिए आए हैं जिनका नाम ले लिया गया है वो मत लिखिएगा, वो जो है वो लिख सकते हैं जो प्रेडिक्शंस करवाने के लिए आए हैं। वाई और ओ लिखना है आपको, सीखना, दीपक जी सीखना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वाई और ओ लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, वाई और ओ लिखना है, सीखना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वाई गौरव यादव जी प्रेडिक्शंस के लिए आए हैं, अतुल जी वाई ओ, अच्छा दोनों के लिए आए हैं, मतलब कि वाई ओ जो लिखने वाले हैं उनका बुध अच्छा होगा, यानी कि पांच नंबर होगा उनमें, पांच नंबर अगर नहीं होगा तो चार, दो और छह जरूर होगा चार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। फी टोटल कोर्स का बताइए, बहुत बहुत धन्यवाद। फी जो है ओके ओके लेंगे, प्रिडिक्शंस लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, प्रिडिक्शंस ऐसा नहीं है कि हम नहीं लेते हैं, प्रिडिक्शंस लेते हैं। तीसरा नंबर जो है जिनका आया है आप वहां पे लिख दीजिएगा, और अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख दीजिएगा, अगर नहीं होगा तो आप अपना हाथ का फोटो भेज दीजिएगा। अब ये जो आप पढ़ रहे हैं इसका, या नोमोलॉजी अगर सीखे हैं, ये जो हम आपको दे रहे हैं ये आपको वैल्यूबल लग रहा है या नहीं लग रहा है, या हम आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी लिख सकते हैं अगर टाइम वेस्ट हो रहा है तो, अगर वैल्यूबल लग रहा है तो वो भी लिख सकते हैं, अगर टाइम वेस्ट लग रहा है तो वो भी लिख सकते हैं, और अगर वैल्यूबल लग रहा है तो वो भी लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, यानी कि इसमें जो है वैल्यूबल है, बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। टाइम वेस्ट जिनको लग रहा है वो कोई नहीं है, टाइम वेस्ट लग रहा है ताकि आप लिख सके, ताकि आप बात कर सके। देखिए ये जो है ये सीखना जरूरी होता है, और आप लोगों से भी हमको सीखने मिलता है। अब जो है आपके पास में ये डिटेल होना चाहिए, और ये डिटेल पहले लगेगा आप देख, क्योंकि जब तक आप अपने बारे में नहीं जानेंगे तब तक दूसरे बारे में आप नहीं जान पाएंगे। आपका सर्टिफिकेट नेम होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, सर्टिफिकेट नेम, यानी कि नॉर्थ से होंगे तो उसमें पिता का नाम लगता है, सॉरी साउथ से होंगे तो, महाराष्ट्र से होंगे तो वहां भी पिता का नाम लगता है, तो सर्टिफिकेट में जो नाम होगा वो नाम का स्पेलिंग, आपका डेट ऑफ बर्थ। अगर टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं है, हाथ का फोटो, कि हाथ का फोटो जो है ये आपको एक्शन बताता है कि अभी आपके साथ में क्या हो रहा है, यानी कि दो तीन साल में आगे या दो तीन साल पीछे, क्योंकि ये हाथ की रेखाएं चेंज होती है, तो ये चीज बताता है। यहां तक मैक्सिमम अगर ज्यादा प्रिडिक्शन करने वाला कोई अगर हाथ की रेखा होगा तो 5 साल तक का कर सकता है, उसके बाद वो चेंज होता है। तो हाथ की फोटो भेज दीजिए, आप अपना मोबाइल में जो लॉगिन होगा ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी भेजिएगा, ध्यान रखिएगा आपके मोबाइल में जो लॉगिन होगा ईमेल आईडी, जो आपके पास में वैलिड ईमेल आईडी होगा वही भेजिएगा, कि दूसरे का मेल आईडी मत भेज दीजिएगा, ताकि आपके कंटेंट वहां जाएगा। उसके बाद घर का दिशा क्या है, घर का दिशा यानी कि आप जब घर से निकलते हैं, जब आप घर से निकलते हैं तो किस दिशा में निकलते हैं,
पूर्व की दिशा में निकलते हैं, पश्चिम की दिशा में निकलते हैं या उत्तर की दिशा में निकलते हैं, तो वो आपको लिखना है। घर से किस दिशा में निकलते हैं वो आपको लिखना है, और आगे अगर लिखना है तो वो लिखना है आपका प्रोफेशन क्या है, मतलब कि आप करते क्या हैं, ये चीज लिखना है। राजेंद्र जी यहां पे नहीं लिखना है। चलिए ये आपको हमको भेजना पड़ेगा व्हाट्सएप पे। अब जितना जो आदमी सीखना चाहते हैं या प्रेडिक्शंस करवाना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं वो बता सकते हैं, या जो सीखे हुए हैं, पहले टीटीसी किए हुए हैं या मास्टर नॉलेजी किए हुए हैं, एडवांस किए हुए हैं, इसका फी कितना होना चाहिए वो आप जो सीखे हैं उस हिसाब से बता सकते हैं। ये कितना होना चाहिए चैट बॉक्स में लिखिए एक बार, कितना होना चाहिए आपको, कितना लग रहा है। मोहित बात्रा जी बोल रहे हैं 2100, बहुत बहुत धन्यवाद। और कितना होना चाहिए चैट बॉक्स में एक बार लिखिए, कितना होना चाहिए एक बार चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हरीश जी 10,000, बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। 50,000 मत लिख दीजिए। कोर्स कंटेंट क्या है, टोटल चीज बताया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। संगीता शर्मा जी 5,000, बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मल शंकर जी बहुत, आप जितना भी आपका जेन्युइन लगता है आप बता सकते हैं। इसका जो हमने फी रखा है, ये 7 डे के क्लासेस हैं। 7 डे में आप क्या क्या पढ़ेंगे वो भी हम आपको बता देंगे। 7 डे में आप ये जान सकते हैं कि आपको नाम चेंज करने की जरूरत है या नहीं। आपके फैमिली में जितने भी जातक हैं और उनका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप ये जान सकते हैं कि उसको नाम चेंज करने की जरूरत है या नहीं, या आप उस पर प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। बेसिक लेवल पे, हाई लेवल पे भी प्रिडिक्शंस के व्यवस्था है, आप बेसिक लेवल पर उस जातक का प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। ये क्लासेस मंडे से शुरू होगा, क्लियर लिखा हुआ है, और 7 दिन का ये क्लासेस होगा। 4,999, दीपक जी बोल रहे हैं नो आइडिया, 4,500, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो हमने एनर्जी एक्सचेंज रखा है वो रखा है 6,999 रुपीज, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम क्या रहेगा, टाइम शाम के 7 बजे टाइमिंग रहेगा, सॉरी 8 बजे। ये जो आपको दिखाया जा रहा है, ये आपको फी वैल्यूबल लग रहा है या नहीं लग रहा है। मोहित जी जो 2100 रुपया बताए थे, उनके लिए थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा। ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, ज्यादा है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रांत जी, मोहित जी यस सर, यही बात्रा जी यस सर, गौरव यादव जी जी, मोहित जी ज्यादा लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। देखिए आप अगर प्रिडिक्शंस करने के लिए जाते हैं या करवाने कहीं जाएंगे ना, तो आप जरूर जो है चार्ज लीजिएगा, 100% लीजिएगा, बहुत ज्यादा है। रीना सिंह जी बोल रहे हैं बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत धन्यवाद, चार्ज लीजिएगा। और यहाँ पे जो है सबसे पहले बेसिक सीखिए, उसके बाद आगे सीखना है तो आगे सीखिए। यहाँ पे 2 कंटेंट है, एक कंटेंट जो है आपको 7 डेज का है और एक कंटेंट जो है 14 डेज का है, मतलब कि वो टोटल जो 14 डेज में वो 21 डेज तक जाता है प्रैक्टिस को लेकर। अब यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। आज जो हमने इसका एनर्जी एक्सचेंज रखा है, अगर जिनको ज्यादा लग रहा है तो एनर्जी एक्सचेंज कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, आपके हिसाब से कितना होना चाहिए, यानी कि 2141। अब तो कोई 10,000 नहीं लिख सकते हैं, 5,000 नहीं लिख सकते हैं। रंजित्रा जी बोल रहे हैं ज्यादा है, राजेंद्र श्रीवास्तव जी ज्यादा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कोई अगर जातक यहाँ पे करना चाहते हैं तो उनके लिए जो आज हमने रखा है वो 599 रुपया रखा है। ये 7 डेज के क्लासेस जो है ये 599 रुपये है। रिकॉर्डिंग के साथ में लेना चाहते हैं तो 799 रुपया है, पीपीटी के साथ में चाहते हैं तो 1199 रुपया है, ये ध्यान में रखिएगा।
सॉरी 1099 रुपया है। अब इसके अलावा अगर जाते हैं तो एक जो है ये फुल लोसो गीट के क्लासेस हैं, जिसमें टोटल 20 क्लासेस होगा, ये 14 प्रैक्टिकल होगा और 6 जो है ये थ्योरेटिकल होगा, यानी कि आपको वहां पे करना है दूसरे का प्रिडिक्शंस। ये जो है इसका जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो 3499 होगा। अब ये किनको ज्यादा लग रहा है, ये किनको ज्यादा लग रहा है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ये जिनको ज्यादा लग रहा है, क्योंकि अगर कोई करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे पहले डेट ऑफ बर्थ, ये ध्यान रखिएगा, ये डिटेल पहले आपको भेजना है, सर्टिफिकेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, ईमेल आईडी, घर किस दिशा में है, आपका प्रोफेशन क्या है, ये पहले आपको भेजना है। उसके बाद आपको फी का स्क्रीनशॉट भेजना है और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उसको ग्रुप में 12 बजे के पहले ऐड हो जाना है। अब बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। ये जो है फाइनल फी है, अगर आपको इससे ये ज्यादा लग रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल है घर संसार, आप उसको जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर भी वीडियो आता है, वहां से आप सीखिए, वहां पर भी मेस्ट्रोलॉजी, नॉमोलॉजी, वास्तु, केमिस्ट्री सब कुछ सिखाते हैं, आप वहां पर भी सीख सकते हैं जिनको ज्यादा लग रहा है। क्लास डेली लगता है, 7 दिन के क्लासेस हैं, डेली लगते हैं, एक दिन शुक्रवार को छुट्टी होता है लेकिन वो कवर किया जाता है, क्लास डेली होता है, 8 बजे से 9 बजे होता है और जिनका पेमेंट हो जाएगा वो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जो है आप जरूर जो है ग्रुप में भेज दीजिएगा, जिनका हो जाएगा पेमेंट, और आप अपना हैंड ऊपर कर सकते हैं और यहाँ पर जो है अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, कोर्स रिलेटेड किन्हीं को कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स रिलेटेड किन्हीं को सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब कोर्स में कॉन्टेंट क्या है ये भी देख लेते हैं, कोर्स में कॉन्टेंट क्या क्या है, पहले जो है हम कोर्स में देख लेंगे कंटेंट क्या क्या है, तो यहाँ पे आपको कंटेंट दिखेगा, ये कंटेंट आपको मिल जाएगा, ये कंटेंट जो है आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे अगर बेसिक कोर्स कर रहे हैं तो ये जरूरी होता है, क्योंकि इसलिए आपको डेट ऑफ बर्थ टाइम मांगा जा रहा है, क्योंकि अगर आप खुद अगर ग्रोथ नहीं कर पाए तो दूसरे का क्या ग्रोथ करेंगे आप, तो यहाँ पे कुछ रूल्स है जो आपको अपनाना है। ये 7 डेज की क्लासेस हैं और ये जो है मैंडेटरी है सब आदमी को कि अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये डिटेल आपको व्हाट्सएप पे भेजना पड़ेगा। यहाँ पे जो है आपको स्कैनर दे रहे हैं, आप यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो सीखने के लिए मिलेगा ये मिलेगा नोमोलॉजी क्या होता है और आपके मोबाइल नंबर, आपका घर का नंबर, आपका क्या है, ये पहला दिन ही आप इसको समझ लेंगे कौन सा नंबर रिपीटेड हो रहा है, इस केस स्टडी में आपको पता चल जाएगा। दूसरा पाइथन का इंट्रोडक्शन बताया जाएगा, चार्डियन नोमोलॉजी क्या होता है, कोर नंबर क्या होते हैं, जो नाम चेंज करने की जो जरूरत होती है किसी भी जातक को, तो ये कोर नंबर क्या होता है, वो चीज आप यहाँ से जो है आप ये कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इसके जो है नंबर्स के बारे में बताया जाएगा। देन जो है नाम यहीं से आपको चेंज करने की जरूरत है या नहीं, हार्ट डिजायर नंबर, पर्सनालिटी नंबर, लोसो गीट, 8 नंबर्स, योग, उसके बाद कुआ नंबर, नेम एनालिसिस, 1 से 100 तक में नाम को जो है फिट करने की आपको जरूरत है या नहीं है, मयान जनरल प्रिडिक्शंस क्या होता है और यहाँ पर जो है एस्ट्रोलॉजी टू नोमोलॉजी, एक दिन का ये क्लासेज है, एस्ट्रोलॉजी टू नोमोलॉजी, इंडियन नोमोलॉजी जो होता है उसमें ये चीज बताया जाएगा। एक दिन फेस रीडिंग की क्लासेज होंगे और एक दिन जो है ये तांत्रिक नोमोलॉजी की क्लासेज होंगे। इसके टोटल रिकॉर्डिंग्स मिलेगा, टोटल के रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, उसका टेंशन मत लीजिए, ये टोटल का रिकॉर्डिंग्स आपको दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं 3499 की, 3499 में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 3499 के कॉन्टेंट्स मिल जाएंगे। देखिए ये जो है आपको मिल जाएगा,
पीपीटीज भी मिल जाएगा या स्क्रीनशॉट हम आपको भेज रहे हैं, आप वहां से भी जो है इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर हम 3, 4 और 9, 9 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 3, 4, 9 में यही चीज आपको मिलेगा कि एक्स्ट्रा जो है उसमें आपको प्रिडिक्शंस करना है, बस वही एक एक्स्ट्रा है उसमें, और कुछ नहीं है। और यहाँ पे 3, 9, 9 का 3, 4, 9 का जो है यहाँ पे कंटेंट है। इसमें आपको क्यों करना है तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में टोटल चीज पता कर सकते हैं, लाइफ के एवरीथिंग के बारे में पता कर सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं लाइफ में होने वाली हर घटनाओं के बारे में, रेमेडीज के बारे में बात कर सकते हैं। सिर्फ रेमेडीज यही नहीं कि सिर्फ नुमलोजी के रेमेडीज, रुद्रास के रेमेडीज, क्रिस्टल के रेमेडीज, प्लैनेट के रेमेडीज, किसको डोनेट करना है, कलर क्या है, ये टोटल चीज के बारे में आप जान सकते हैं। इसके लाइव क्लासेस होंगे और रिकॉर्डिंग्स नोट मिलेगा और 3 महीने तक का आपको सपोर्ट मिलेगा। इसका जो है चार्ज 3, 4, 9, 9 होगा। इसमें भी हमारा जो व्हाट्सएप नंबर पूछ रहे थे सर, ये व्हाट्सएप नंबर जो है ये यही है 8669178114, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको नोट कर लीजिए, या इस पर जो है आपको पेमेंट करके इसी पे स्क्रीनशॉट भेजना है, या यहाँ पे हम आपको स्कैनर दे रहे हैं। कोर्स डिटेल पहले आपको भेजना पड़ेगा, देन जो है नुमलोजी क्या है वही, मेथड क्या होता है, केस स्टडी क्या है, आप अपने पहले पहला दिन काम कर लीजिए, पाइथन क्या होता है, सिंगल डिजिट डबल डिजिट क्या होता है, कार्मिक गिफ्ट नंबर क्या होता है, लव मैरिज के बारे में, अरेंज मैरिज के बारे में, बर्थडे नंबर, लाइफ पाथ नंबर, एक्सप्रेशन नंबर, हार्ट डिजायर नंबर, पर्सनालिटी नंबर और कोर नंबर के बारे में जानेंगे, लव मैरिज के बारे में जानेंगे, प्रिडिक्शंस के बारे में, चैलेंज नंबर, पिनेकल नंबर, पर्सनल नंबर, पर्सनल मंथ, पर्सनल ईयर, कॉर्पोरेट नंबर का 5 जो नॉमोलॉजी होता है, जो नॉलेज होता है 5 पे लेके जाना, नाम का वाइब्रेशंस क्या होता है, ये टोटल चीज यहाँ पे जानेंगे। अब आता है यहाँ पे लोसोगीट टोटल चीज पढ़ेंगे, 81 कॉम्बिनेशंस 8 के बारे में, लोसोगीट के बारे में, 81 कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, नंबर्स के मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, ड्राइवर कंडक्टर नंबर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद रेमेडीज टोटल जो मैंने आपको बताया, जो रुद्राक्ष का, क्रिस्टल का, प्लानेट का, नंबर का, कलर का, एवरीथिंग के रेमेडीज आपको वहां पर बताया जाएगा, और आपके नेम, मोबाइल नंबर, कार, हाउस का रिफ्लेक्शंस बताया जाएगा। यहाँ पे किन्हीं आदमी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ हरीश जी, क्या क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले जो है इनका जो है डिटेल्स हमारे पास में आ गया है, मोहित जी का और गौरव यादव जी का। मोहित जी आप हैंड ऊपर कर सकते हैं, अगर क्या सवाल है आपका। हरीश चंद्रा जी क्या सवाल है आप भी बता दीजिए, क्या कोर्स रिलेटेड पूछना है, आप कैमरा ऑन कर लीजिएगा। हाँ बोलिए, क्या पूछना है। हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ थोड़ा सा ये कंफर्म करना था, एक तो जो क्लासेस का टाइमिंग आपने 8 बजे बोला कि 8 बजे शुरू रहेगा, तो कब तक चलेगा थोड़ा सा बता पाएंगे? 8 से 9 3, 4, 9, 9 में जाएंगे तो उसमें 9 से 10 भी जाएगा, वो 9 से 10 भी जाएगा। जाएगा तो थोड़ा सा मेरा ये कंसर्न है, क्योंकि मेरा बीच में मैं 3, 4, 9, 9 करना चाहता हूँ, बट मेरा एक कंपनी टूर रहेगा बीच में 6 दिन का, तो वो मेरा सफर कर जाएगा, तो उस केस में वो मैनेज कर दिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, मैं वही जानना चाहता हूँ। अभी मोहित जी क्या पूछना चाहते हैं आपका? सर अगर क्लास नहीं अटेंड कर पाए तो सर उस केस में क्या होगा? उस केस में आपके रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स की व्यवस्था है, रिकॉर्डिंग दे सकते हैं, रिकॉर्डिंग 799 में है, वह पीडीएफ है, तो 1099 उसका है, इसी नंबर पे पेमेंट करना और इसी पे भेज देना है।
आपका, तो सर मैं अपनी हैंड वाली जो आपने कहा वो हाँ, फोटो अपना खींच के डेट भेज आपका देना। आपका हमारे पास फिर कुंडली आ गया। आप पूछना चाहिए, आप जब बार बार ये प्रोफेशन चेंज क्यों करते हैं, आप क्या करते हैं? सर मैं अभी बिल्डर हूँ। तो प्रोफेशन बार बार चेंज क्यों करते हैं इतना लाइफ में ऊपर नीचे? हाँ जी सर, लॉस हो जाते हैं, जो भी बिजनेस करता है ना लॉस हो लेकिन जाते हैं, तो जो आप इसमें बिल्डर बिल्डर हैं आप बता तो रहे हैं, लेकिन बिल्डर वाला इसमें कहीं कोई ये ही नहीं है, नंबर्स ही नहीं है। बिल्डर में अच्छा। तीन बार आपका चीटिंग हुआ है, तीन के साथ, तीन तीन बार आपके साथ। कौन हाँ जी हुआ चीटिंग, है सर, कौन चीटिंग किया आपका? एक बारी तो सर जो स्टार्टिंग में ना एक आर्किटेक्ट बना रहा था उसने करा, फिर एक बारी हमारे पार्टनर ने भी करा था। आपका D7 अच्छा, D7 चार्ट अच्छा है वो, मतलब कि शादी के बाद आपका अच्छा ग्रोथ हुआ है। अच्छा जी, D7 अच्छा है, 7 नंबर भी अच्छा काम करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेड में कितना लोहा रखे हुए हैं जिसपे सोते हैं? बेड पे हाँ, बेड तो लकड़ लकड़ का है सर, उसमें बेड पे लोहा नहीं है, बेड के नीचे? लोहा नहीं है सर। शनि तो इतना अच्छा है, तब तो शनि रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं दे रहा है? घर की दिशा किधर है? बाहर निकलते हैं तो, सर वो निकलते हैं नॉर्थ से। हाँ डायरेक्शन भी सही है, शनि भी अच्छा नहीं, अच्छा है आपका। तो ये बिजनेस कब से कर रहे हैं? आप बिजनेस के बारे में पूछना चाह रहे हैं ना? जी हाँ जी, पहले सर राइस मिल था, तो वो पापा जी और चाचा जी अलग हो गए थे, फिर हमने काम स्टार्ट करा आड़त का, तो उसमें भी टोटल बड़ा नुकसान हो गया टोटल था। आपने अभी तक में 5 प्रोफेशन चेंज किया, ये पांचवा है जो अभी आप कर रहे हैं। यस सर, अगर बिल्डिंग की बता रहे हैं तो, अगर जॉब कहेंगे तो ये छठा होगा। पांच सर जॉब नहीं करा मैंने आज तक, मैंने वो बिजनेस ही करा। प्रोफेशन जो है आपने चेंज किया है अभी तक में, यस सर, इसमें 2 प्रोफेशन जो है अच्छा चला है, एक प्रोफेशन अच्छा चला है लेकिन उसमें चीटिंग के कारण उसको छोड़ना पड़ा। एक में पैसे फंस गए हैं, एक में आपने यस सर, पार्टनरशिप के साथ किसके साथ किए? एक पार्टनर हेलो, था सर, कपिल कपिल खट्टर सर। राहु प्रधान पार्टनर रखेंगे, राहु उतना सपोर्ट नहीं है। आपको क्या चाहिए ये बताइए, किस चीज का उपाय चाहिए? सर आपके मैं चार्ट अभी जो में सर उसमें थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम जो है ये ज्यादा है, चार्ट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इमोशंस के कारण आपके बहुत से काम जो है ये रुके हैं। शनि आपके जो है अच्छे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि आप बिजनेस किए हैं और उसमें जो है आप फेल हो रहे हैं, तो इस स्थिति में कुछ यस ऐसे कारण होंगे जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान पेड़ के नीचे होना, गेट के डायरेक्शन सही दिशा में नहीं होना, या सुबह जल्दी नहीं उठना। ये तो 100% है कि आप सुबह नहीं उठते होंगे, एक नंबर भी है, 8 नंबर तो 7 नंबर की भी रिपीटेशन है यहाँ पे, तो सुबह में उठते नहीं होंगे, ये तो 100% है। थोड़ा सुबह में उठिए, अगर शनि नहीं काम कर रहा है तो सूर्य तो जरूर काम करेगा आपका। तो अच्छा सर, ओके। सूर्य काम तो करेगा, बिजनेस, सर मैं वैसे पेट्रोल पंप का भी सोच रहा हूँ, तो वो करना चाहिए? अच्छा अभी मत कीजिए, पैसा फंसा के बैठ जाइएगा आप। अच्छा पहले उससे जो है 2019 भी या 19-18 के बीच में जिसको 7 लाख रुपया दिए हैं उससे टाइट होके मांग लीजिए, 7-8 लाख के लगभग है, यानी कि 3 नंबर है तो 7-8 लाख जाता है, 3 के सपोर्टिंग 7 आता है। वो दिया पैसा ओके, नहीं आपको? दिया सर। दे देगा पैसा, वो टाइट होके मांगिए आप। ओके सर, सबसे पहले सुबह उठिए और आप अपना बेड जो है आप खुद से जो है थोड़ा सा संभालने का कोशिश कीजिए। बेड को जो लगाना होता है ना वो खुद से लगाइए, वाइफ को मत लगाइए उसको काम पे, उससे आपका राहु सही होगा। और सुबह में जो है जल दीजिए सूर्य भगवान को, सूर्य की गर्मी होने से पहले, ठीक ओके है? और अफेयर्स कितने हैं? अफेयर तो कोई भी नहीं है सर, नहीं है? नहीं है। 1996 से 1997 के बीच में राहु और उन्नीस सौ चंद्रमा, छिया 2003 के
2003 और 2007 के बीच में। चलिए जाने दीजिए, आपकी वाइफ है होंगे घर में, लेकिन वो प्रिडिक्शंस जीटीसी वाले जितने भी जातक यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ध्यान दीजिएगा, वो भी प्रिडिक्शंस हमको करना है जातक का। चलिए, और कोई सवाल है जो हमने दो बताया वो करना है, सुबह उठ के जल देना है। यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है आपका D4 यानी कि अगर लोसोगीट में अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है आपको सुबह जल देने के बाद जो है जो आप काम करने के लिए जहाँ पे जाते हैं या सपोज कीजिए आपका बिजनेस है वो वर्किंग स्थल पे, देखिए वर्किंग स्थल में भी थोड़ी सी इश्यूज आ रहा है हमको जो दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप कोई वास्तुनिष्ठ अगर आसपास में कोई होगा तो 200 रुपया देके उसको दिखवा लीजिएगा, ठीक है, या कोई बिजनेस का अगर आपका नाम होगा तो थोड़ा उसको सही करवा लीजिएगा, कितने पे नाम अगर 7 पे 8 पे अगर जो भी होगा तो कर लीजिएगा। और रात में पैर हाथ धो के आपको सोना है और थोड़ा एक्टिव होइए, सुबह में दौड़ने का काम कीजिए। दारू वारू तो नहीं पीते होंगे, अगर पीते होंगे तो मत पीजिएगा, खराब होगा, ठीक है। अच्छा पीता हूँ सर कभी कभी। ओके तो छोड़ बिल्कुल छोड़ दो सर। सनी रिजल्ट तभी देगा सर, सनी अपने बाप का नहीं होता है, हमारा और आपका क्या होगा। अच्छा तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, सनी चार्ट में अच्छा है और सनी जिस प्रोफेशन में आप हैं बिल्डिंग में तो सनी सिर्फ वो बताता है कि बिल्डिंग में तुम ईटा उठाने का काम करो हम तुमको बिल्डर बना देंगे, लेकिन आपका सनी जो है वो धनेश है, लेकिन हमको खुद लग रहा है कि ये प्रॉब्लम कहाँ कैसे हो रहा है, या तो आपके एक्शन में प्रॉब्लम्स होगा या आपके अफेयर्स के कारण कुछ प्रॉब्लम्स होगा, ये भी होता है क्योंकि सनी प्रॉब्लम्स तभी किसी भी जातक में क्रिएट करता है अगर किसी से हम कुछ गलत किए, नीचे वाले को सताए, अफेयर्स हुआ, अनमैरिड लड़की के साथ में अफेयर्स है, तो वो अपने बाप का भी नहीं है, वो सरे साथी आएगा तो वो अपना बदला लेगा ही, किसी का भी नहीं है, एस्ट्रोलॉजर रहे एस्ट्रोलॉजर का बाप रहे वो सबको लेगा वो। तो ये 3-4 काम कीजिए अच्छा हो जाएगा, अगर आपके पास में अगर उससे भी ज्यादा टाइम मिलता है, अगर आप ज्यादा मतलब कि एक्टिव होना चाहते हैं तो थोड़ा सा जो है दुब्बी का जर होता है उसको आप अपने शरीर में धारण कर सकते हैं या मोती पहन सकते हैं, मोती अगर जितना वजन होगा उतने वजन का आप मोती पहन लीजिए, आप बहुत अच्छा काम करेगा। प्रियांशु जी आपने जो ये भेजा है पेमेंट भेजा है उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, स्क्रीनशॉट नहीं भेजेंगे तो दिक्कत होगा जान लीजिए, स्क्रीनशॉट भेजना बहुत जरूरी है। मेरा खत्म प्रियांशु चेंज कर दिया सर ने। और किन्हीं का मोहित जी कोई सवाल है, पहले माइक ऑफ कर लीजिए उसके बाद बच्चे से बात कीजिए। अब दूसरा नाम जो आता है वो नाम है यादव जी का, यादव जी है क्या, गोपाल यादव जी हैंड राइज कीजिए, गोपाल यादव जी हाँ माइक ऑन कीजिए। गौरव यादव जी, यादव जी बोलिए जी। सर जैसा आप अभी सबका बता रहे हैं वैसे ही हमें सीखना भी है और हमारे लाइफ में क्या प्रॉब्लम है वो आप थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ सीख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। महेश जी आपको इस प्रोफेशन में 3 साल पहले से होंगे क्या सर, इस प्रोफेशन में इंस्टीट्यूशन पावर अच्छा है आपका, कौन सा पावर अच्छा है सर, इंस्टीट्यूशन पावर आपका अच्छा हो है इस प्रोफेशन में, हम आप 4-5 साल पहले से होंगे सर, पहले सोचते थे देखते थे लेकिन अभी पूरा तरीके से नहीं हुआ है। ओके आप पूछना क्या चाहते हैं सर, हमें अपनी लाइफ के बारे में पूछना है, हमारा अभी बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है और पैसे के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत अभी कहाँ चल रहा है आपको, तो ये 17 से दीपक दिक्कत चल रहा है, 17 के मिडिल से। जी सर बिल्कुल 17 से चल रहा है, स्वास्थ्य भी बहुत गड़बड़ रहता है, एम्स पे इलाज चल रहा है। और कहाँ रहते हैं आप, भोपाल में रहते हैं सर, भोपाल मध्य प्रदेश।
प्रिंस जी आपने जो पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। दो हजार आठ में घर खरीदे थे क्या? 2008 में सर पहले प्रॉपर्टी का काम करते थे हम। 2008 में पैसा इतना इन्वेस्ट किसमें किए हैं? 2008 6 और 8 के बीच में। 6 और 8 में हमारे भाई लोग बिल्डर हैं और करोड़ों रुपए का हमारे नाम से बिजनेस किया है उन्होंने। हमें बेदखल कर दिया अभी। 2012 में किए? 2012 में जी सर। 14 में शादी हुई थी, 14 में तो टोटल पूरा छीन लिया था। और रोज आए दिन हम बीमार रहते हैं, सिर दर्द, उल्टियां, हाथ पैर कांपना, पूरा शरीर कांपना होता है। बीमारी का कारण ये नहीं, बीमारी दवाइयां कोई असर। इनका हेल्थ चार्ट दीजिएगा गौरव जी का, गौरव यादव का D7 और D6। सर ये जो है आपका जो चार्ट है, इस चार्ट में थोड़ी सी इश्यूज है, समझे कि? तो इसके जो है इसको टाइम देना पड़ेगा आपको, और इसमें आपको वाइफ का भी डिटेल लगेगी, समझे कि? ये हेल्थ दिया है सर, वाइफ का भी भेजा? नहीं, हाँ वाइफ का हमारे पास में कुछ नहीं आया है, तो यहाँ पे जो है आपके आसपास में कोई भी जातक जो होगा हेल्थ उल्थ का अगर देखता होगा, अगर होगा तो आप उससे मिल लीजिए, या आप हमको एक फोटो देंगे वो रेमेडीज आप कर लीजिएगा, या आपके जो TTC में हमारे को जातक होंगे उनसे बात कर लीजिएगा, वो आपको रेमेडीज वो बता, क्योंकि वो नॉर्मल रेमेडीज जो हेल्थ की आप बता रहे हैं वो नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल से ठीक नहीं होगा, ठीक है? मतलब हकीकत बात है वो हम आपको बता। देखिए आप में एक्टिवनेस अच्छा है, सुबह में उठते भी अच्छा है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, पूजा पाठ में भी ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो जो हेल्थ इशू है उसमें दूसरा कारण है, ये कारण नहीं है। क्या कारण सर? वो जो है थोड़ा निगेटिव एनर्जी है, इसलिए हम आपको बोले कि थोड़ा वाइफ का डिटेल देते तो उसमें जो है सही होता। तो वो सर कैसे हटेगी, आप ही बताइए ना सर। नहीं वो डिटेल हम नहीं बता सकते यहाँ पे, लेकिन वो उसमें आपको वो फोटो दे देगा, वो फोटो का आप रेमेडीज कर लीजिएगा, लेकिन वो डिटेल आपको वाइफ का देना पड़ेगा, वो डिटेल भेजना पड़ेगा। सर भेज दिया हमने, इच्छा है आपके नाम से मैसेज में भेजा है आपके। मैसेज हमारे पास में कुछ रहता ही नहीं, आप अभी ही हमसे बात कर रहे हैं, उसके बाद आप अच्छा, हमारा अच्छा। नंबर ही आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। ओके 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 ओके। तो सर हमें आपसे पर्सनली बात करनी हो तो कैसे करेंगे? आप कर सकते हैं यहाँ पे जो है, आप की कच्ची क्लास में आ जाइए, क्लास में बात कर लेंगे, उसमें क्या है? नहीं सर अलग से जैसे आपसे बात करनी हो तो वो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा सर, वो भी 4 दिन के बाद आएगा टाइम। कोई दिक्कत नहीं सर, नंबर तो दे दीजिए उसके लिए। हाँ तो नंबर वहाँ पे, जो नंबर है वहीं पे अपॉइंटमेंट ले लीजिए ना, वो दे देगा टोटल। ओके ओके। और किन्हीं के पास में कोई सवाल है? मोहित जी, मोहित जी आपने जो पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। मोहित रंजन गुप्ता, मोहित रंजन गुप्ता आपके पास जो भी ये जो पेमेंट किए हैं इस पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिए। रीना सिंह जी, कोर्स रिलेटेड किन्हीं के पास में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। चौथा जो नाम है रंजन, सॉरी तीसरा नाम है रंजन कुमार जी, रंजन कुमार जी अगर हैं तो अपना हेड ऑन कर सकते हैं। हाँ हरीश चंद्र जी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं उसके बाद भी जी। बस सर वही पूछना, रीना सिंह जी क्या क्वेश्चंस है?
हाँ वो कर सकते हैं, 1099 का कर लीजिए, उसके बाद वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, मैं भी पेमेंट कर रहा हूँ सर। हरिनाथ जी क्या सवाल था आपका? मोहित माता जी क्या सवाल है आपका? हेलो, हरिनाथ जी बोलिए। सर मैंने भी डेट ऑफ बर्थ शेयर करी है। ओके हाँ मोहित जी क्या सवाल है आपका? सर मेरे को कौन से मंदिर जाना चाहिए सर? सॉरी, जहाँ पे मेरे को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, जैसे मंडे को जैसे शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए या हाँ। सैटरडे को जाना चाहिए हनुमान जी? और किन्हीं को कोर्स रिलेटेड कोई इश्यूज है क्या तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, किन्हीं को कोर्स रिलेटेड इश्यूज है तो। हरिना जी क्या पूछना चाहते हैं आपको? यस सर, जिनको सवाल है हाथ है हाथ ऊपर कर सकते हैं। सर डेट ऑफ बर्थ शेयर करिए। ओके उसका बताना है किस फील्ड में क्या है उसका, अच्छा बच्चे का। ओके नारायण जी आपका क्या है सवाल? सर ये जो है ना आप बोलते ना कि हम लोग इसमें इस कोर्स में जैसे बता सकते हैं कि क्या मतलब अगर किसी का नेम से आप पता चल जाएगा भाई किसी के गर्लफ्रेंड का कौन सा अल्फाबेट का है तो ऐसे ये भी बता सकते हम जब हम प्रेडिक्शन करेंगे ना तो ऐसे बता सके कि आपके पापा का लेके जाते हैं लोग बोलते हैं आठ पे मत लीजिए लेकिन आठ पे ले जा सकते हैं हम, वो डिपेंड करता है कंडीशंस उसकी अलग होती है ना। ओके कौन सा प्रोफेशन नहीं उसमें जन्म पत्री के अनुसार भी देखा जाता है, अगर आपका आठ नंबर शनि ग्रह बहुत अच्छा है तो और आपका वो फेज अच्छा चल रहा है तो आठ नंबर अगर आप लेते हो तो आपको पॉजिटिव ही करेगा। आपने बहुत जगह आप एस्ट्रोलॉजी का हाँ वो क्या? देखना पड़ता है दोनों तो इसका लगन चार्ट में तो सूर्य है वो पूरा देखना पड़ेगा, मैं ऐसे लगन चार्ट में बता पाएंगे ऐसे अभी थोड़ा थोड़ा मैं भी सीख रही हूँ ना अभी थोड़ा क्या है औकल में थोड़ा सा जिम्मा हो रहा है लेकिन ये होता है सर इतना मतलब इतना ज्यादा इंट्यूटिव पता नहीं इतना सीखती हूँ लेकिन वापस भूल जाती हूँ क्योंकि मेरे पास थ्री नंबर है का नंबर वो प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा मैम, नहीं तो आप पढ़ोगे फिर आप भूल जाओगे। नहीं मैं करती हूँ लेकिन फिर भूल जाती हूँ सर यही प्रेडिक्शन आप जितना करोगे ना उतना आपके प्रैक्टिस में रहेगा याद में रहेगा। नहीं अभी वैदिक का जो ओरली इसके एट्रीब्यूट्स वगैरह सब बता दो, कोई इंसान का जैसे मेरे को कॉम्बिनेशन बता तो बता सकते हो कि हाँ आप इस तरह से हो ये तो सब मेरा हो जाता काफी हद तक 80-90% राइट हो जाता है। इसके आगे का प्रेडिक्शंस होता ना वो थोड़ा सा टाइम लगता है सर। हाँ वो सिखाया ही बेसिक जाता है ना मैम, आप जहाँ भी सीखे होंगे वो सब बेसिक ही सिखाया जाता है तो बच्चों वाला प्रेडिक्शन है ना ये ग्रिड बन जाएगा तो आपको ऐसा मिलेगा वो ग्रिड बन जाएगा तो ये मिलेगा लेकिन योगा तो वो भी कोई खास नहीं है वो तो लेकिन तो इसमें ज्यादा है क्या नहीं 81 ही होता है लेकिन प्रेडिक्शन तो प्रेडिक्शन उसके बाद शुरू होता है ना। आज मैंने एक वेबिनार अटेंड किया तो उसमें एकदम डिफरेंटली है सर, एकदम इस सर से तो एकदम अलग ही सर, तो उसके लिए दिमाग खराब हो जाता है किससे सीखना है। वो सब जगह ज्वाइन मत करा करिए मैम, इसलिए मैं आपको बोला वो लोगों के पास नॉलेज एक्चुअली थोड़ा सा सोर्स ऑफ नॉलेज पता नहीं ना अपने को तो डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, जब आपको नहीं पता ना तो आप जज नहीं कर पाओगे क्या सही है क्या गलत है। अभी जैसे आपको अगर नॉलेज है तो आप थोड़ा तो जज कर पाओगे ना ये सही बता रहा है गलत बता रहा है। हाँ ऐसे तो अभी मुझे मैंने वैदिक किया हुआ है और न्यूमरोलॉजी भी किया है, फोन न्यूमरोलॉजी प्रोनोलॉजी काफी किया, उसके लिए मुझे पता है ना 33 से 6 ऐसे बोलते हैं पी नेम होता है तो थोड़ा स्ट्रगल वाता होता है क्योंकि फर्स्ट अल्फाबेट 8 नाम से आता है लेकिन ऐसे सोचे कि पुष्पक नाम है ऐसे वाले पुष्पा नाम भी तो बहुत हिट हुई है मूवी। वो मैम डिपेंड करता है वो ऐसे आप सिर्फ नाम नहीं ले सकते। हाँ, पुष्पक मूवी थी एक पुष्पक मूवी थी ना कमला हसन की जो वो भी बहुत हिट हुई है तो ऐसे कभी कभी ये सोचता है वो तो समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना मैम
आठ नंबर पे आप नाम नहीं ले जा सकते, लेकिन आठ नंबर पे अजय देवगन का नाम है। हाँ, मतलब इसके साथ जो लोगे, हाँ तो आप वहाँ पे वो ये सर जी किसके साथ कौन से कंपेटिटर की बैठती है, हाँ, वो बहुत वो सारी वो कैसे जब कोर्स पूरा अच्छी तरह से करोगे ना तब तब आप क्यूरीज होते हैं, तब आपके क्यूरीज से क्यूरीज निकल जाती है सर। जी जी ओके सर, सर सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। विद्या जी आप, आपके पास किन का प्रिडिक्शन था? विद्या जी आप हैं? ओके अजीत सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी हेलो अजीत, हाँ जी अजीत सर आवाज आ रही है आपकी। हेलो, हाँ जी हाँ जी अजीत सर आवाज आ रही है आपकी। हाँ मैं एक्चुअली मैम है अभी अभी कनेक्टेड है मैम। हाँ जी हाँ जी नमस्कार मैं अजीत बात कर रहा हूँ। पहले तो आपकी नॉलेज मैम बहुत शार्प है मैंने देखा। किस बात में सर, किस बात में, बातों में? नहीं यार रियली आपका मैंने ये देखा है कि राहु आपने बहुत अपना एक्टिवेट किया हुआ है। सर 27 है, 9 नंबर एक्टिव हूँ, 27 डेट ऑफ बर्थ है 9। नहीं 9 तो चलो अलग चीज है, वैसे मुझे राहु आपका एक्टिवेट लग रहा है ज्यादा। ओके ऐसे, हाँ। बाकी जो आपको हरि सर ने बताया है ना वो बहुत डीपली जाके बताया है, मेरे ख्याल से सर भी इतना टाइम ना देते आपको। हाँ, वो तो नहीं वही ना अभी एक्चुअली में कोई अभी मैं सिर्फ आपसे एक मतलब मतलब आपकी तरह एक एडवाइस दूंगा कि आप कहीं और कहीं मत देखिएगा कि जहाँ इज द बेस्ट। आप लोग आप ये सोच रहे थे ना कि मैं कंफ्यूज हूँ वेयर आई शुड गो, सम नेम्स लाइक वन फीमेल साधना गुलाटी अनदर नेम यू टेल या साधना गुलाटी इवन शी इज अ गुड टीचर बट एज अ स्टूडेंट आई विल मस्ट आस्क यू दैट यू शुड कम हियर। आई शुड कम हियर मुझे लग रहा था यू आर कंफ्यूज इन दैट। या आई एम कंफ्यूज दैट ओनली आई मेंट एक्चुअली क्या हुआ सर, हाँ मुझे लग रहा था दैट्स व्हाई मैंने सर को बोला कि मुझे प्लीज अनम्यूट कीजिए, और मेरे को हो रहा था एक्साइटमेंट कि आई शुड टॉक टू यू। सर एक्चुअली यू नो व्हाट हैपेंड, वंस आई हैव डन वैदिक न्यूमरोलॉजी ओके, तो अब मतलब इतना प्रेडिक्शन नहीं हो पा रहा, मे बी बिकॉज मैंने इतना प्रैक्टिस नहीं किया होगा। Okay. नहीं मैं एक्चुअली पता क्या वेबिनार है अभी ना, बहुत लोग वेटिंग में है हमारे कोलीग्स ना, तो जस्ट एक सिंगल सी एक लाइन बोलूंगा, काइंडली स्टॉप योर जर्नी टू वॉच वेबिनार एंड सर्च द बेस्ट एक्सपर्ट सर झा, चित्रंजन झा इज अ वेरी मतलब यू कैन से आरडीएक्स ऑफ ऑकल्ट साइंस, इज अ आरडीएक्स ऑकल्ट साइंस छोटा सा है, इनका जो वो है ना दिमाग इसमें बहुत की मेमोरी है। सर इसमें रेमेडीज भी बताते हैं ना सर, रेमेडीज भी होते हैं ना मैम, आप सोच नहीं सकते क्या क्या होता है। ओके हाँ ऐसे तो मुझे पता चल जाते सर बहुत, मैंने लास्ट टाइम प्रेडिक्शन कराया था बेटे का, काफी हद तक राइट हुआ है। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ आप सोच नहीं सकते तो। क्या क्या इनके पास है ओके हाँ, तो बाकी मैं सोचता हूँ कि यू विल कम एंड जॉइन अस। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच सर। आपने ऐसे कैसे बताया कि राहु तेज है मेरा, क्या कर दिया मैम आप? बस थोड़ा सा ना अपने बाल बन कर रखिए आप, हाँ आप अपने ना इसको बांध के रखा कीजिए। मैं तो हमेशा खुला रखते सर। हाँ इसको बांध के रखा कीजिए, आपकी एनर्जी को कोई यूज कर सकता है। ओके ना बिकॉज़ आई डोंट नो, मेरे को मैं टाई करती हूं ना, देयर इज अ कोई डाउट नहीं है, यू आर लुकिंग सो मच ब्यूटीफुल इन दैट, ठीक है, बट इसको आप इसको कनेक्ट रखेंगे ना यू विल, आपको जितनी भी नॉलेज है वो आपको डीपली आपके ओरा में जाएगी वो। ओके ओके हां मे बी बिकॉज़ ऑफ माय मैं बाल खुला रखे हो सकता है उस हिसाब से कि मेरा वो जाते हुए, और वैसे भी आप इसको बाल को बांध के रखिए।
ओके ओके सर प्लीज हाँ ओके थैंक यू सर थैंक यू फॉर द एडवाइस थैंक यू वेरी मच अजीत सर थैंक यू फॉर द इनसाइट्स थैंक यू मैम इनको 5 नंबर की रेमेडी कराइए है ना तो जैसे मैंने बताया 5 नंबर इनका अभी पिनाकल में चल रहा है जो कि बहुत ही अच्छा है पर 5 नंबर इनके चार्ट में मिसिंग है तो वो जरूर कराइए आप इनको तो बहुत एडवांटेज मिलेगा और हो सके तो सर से आप बात कीजिएगा नेम चेंज का तो परमानेंट वाइब्रेशन उसका लेके आएंगे अगर 5 पे और बाकी जो नंबर आपके मिसिंग है वो भी लेके आएंगे तो 2-3-4 प्लेन इनके फिल हो जाएंगे तो बहुत ही बेस्ट काम करेगा है ना तो अभी दूसरों का ले लेते हैं मोहित जी आप कुछ कहना चाह रहे थे आपको हाँ जी बताएं सर आपने दिया था किसी को आपने किसको दिया किसको दिया था आपको नहीं मैंने तो नहीं लिया था आपका मैं तो नैना जी वाला कर रहा था रमन जी आपके पास है विद्या जी आपके पास है इनका क्या हरीश जी मेरे पास हरीश संदेल का है रिचा जी का किया था उन्होंने जो मैंने बोला था रिचा जी ने शेयर किया था अच्छा आपके पास रमन जी रिचा जी का है कोई रिचा जी है हाँ उन्होंने लिखा था उसने मैंने जब पूछा था ना तो चैट में उन्होंने शेयर किया था तो रिचा जी तो शायद अब नहीं है ग्रुप में इसमें शायद लेफ्ट कर दिया उन्होंने तो आप हरीश जी भी नहीं दिख रहे हैं मेरे को इसमें शायद वो भी नहीं है तो आप इनका मोहित जी का डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए कोई इनका थोड़ा प्रिडिक्शन कर दीजिए प्लीज मोहित जी आप प्लीज डेट ऑफ बर्थ शेयर कर दीजिए अपना हाँ जी हाँ जी ओम सिन्हा जी चैट में लिख रहे हैं ओम जी हेलो ओम जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को सर झा नाम से जिनका है वो अनम्यूट कर लीजिए प्लीज जिन्होंने ओम जी वाली डेट ऑफ बर्थ डाली है चैट में चलिए तो इनका छोड़ देते हैं हाँ जी मोहित जी आप बता दें प्लीज आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 मई 1983 लिख लीजिए रमन जी आप नोट कर लीजिए इनको हाँ जी सर 21 मई 1983 ओम जी आप हैं आपने डेट ऑफ बर्थ डाली है चैट में हाँ जी नाना जी दे दीजिए विद्या जी को दे दीजिए इसका लेना है हरी जी नाना जी ने चैट में डाला नाना जी आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को यस सर विद्या जी को बता दीजिए आपका प्लीज 16 मई 1992 लास्ट टाइम मैंने प्रेडिक्शन किया था तो थोड़ा सा एक्चुअली मैं उस दिन क्या सर का थोड़ा नेटवर्क इश्यू बराबर नहीं था इश्यू था तो मुझे उसको कुछ समझ में आया आप भी जरा हेल्प कर दीजिए इसमें आप भी जरा रीडिंग तो 2-3 क्वेश्चन ही पूछना सर हाँ विद्या जी बता देंगे अच्छा 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 बताएंगे नहीं उन्होंने लिया था
16 में 1992 ये वाला मैंने किया था ना लास्ट टाइम या यू हैव डन इट सर एक्चुअली वो सर इस पर हां क्रॉस एक होने से अच्छा होगा कोई दूसरा वाला ले तो ये वाला क्योंकि हमने ऑलरेडी कर दिया ना ये वाला हरि जी सर को बोल दीजिए ना अगर हां आप क्रॉस चेक कर लो जिस तरह से अजीत अजीत सर बेस्ट बताते हैं अजीत सर आप हैं